पलामू को देखें, पलामू में किन किन सीटों पर और वोटिंग परसेंटेज पर अगर गौर करें रंजन जी, तो क्या तस्वीर नजर आती है वहाँ? देखिए, अगर हम पलामू प्रमंडल की ओर चलें तो अगर हम डाल्टनगंज से शुरू करेंगे और अगर आप डाल्टनगंज में देखें तो पिछली बार 63.04% की वोटिंग हुई थी, इस बार कितना बता रहा है? 64.82% डाल्टनगंज में है, 64.82%। तो इसका मतलब है पिछली बार से डाल्टनगंज ने बेहतर किया है। तो यहाँ पर जो है, चूंकि वोट अगर अभी 64.82 है मनीष, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आखिरी आंकड़े आएंगे तो इसमें 2-3% का और इजाफा होगा। तो ऐसे स्थिति में मुझे लगता है कि ये 67 के पास पहुंच जाना चाहिए। तो ये अच्छी वोटिंग है डाल्टनगंज में, जबकि वो शहरी इलाका है, आमतौर पर कम वोटिंग होती है, लेकिन इस बार जो है वो अगर 67% के आसपास तक पहुंच सकती है तो इसे अच्छा माना जा सकता है। अब ये किस वजह से हुआ है ये जानना भी बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो गया है और यहाँ पर बीजेपी के आलोक चौरसिया हैं जो जीत की हैट्रिक लगाना चाह रहे हैं। इसके अलावा KN त्रिपाठी हैं जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं झारखंड सरकार के, और पिछले कई बार से वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन 2009 छोड़कर उन्हें सफलता मिली नहीं है। लेकिन इस बार जो दिलचस्प प्रत्याशी आए, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी के बेटे दिलीप सिंह नामधारी भी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो परसेंटेज बढ़ा है, ये इशारा कुछ कर रहा है क्या? ये इशारा कर रहा है कि यहां जो तीसरा कोण है उसने पूरी शक्ति से चुनाव लड़ा है, और जो सूचना मुझ तक पहुंची है और जो बातचीत हुई है, तो जो कुछ इलाका हैं शहर के, वहां पर जो ट्रेडिशनली बीजेपी को वोट करते हैं, कुछ ऐसे लोगों से मेरी बातचीत हुई, उनका वोट जो है वो दिलीप सिंह नामधारी की तरफ गया है। खास करके वो नावा टोली, बिलवाटिका का जो इलाका होता है, चर्च रोड, ये इन जगहों पर जो है वो आपको वोट जो है दिलीप सिंह नामधारी को गया है। इसके अलावा उन्होंने जो है ब्राह्मण वोटों में भी सेंधमारी की है, उसका भी एक हिस्सा जो कि मुस्लिम वोट भी चला जाएगा। जी हाँ, और यहाँ पर संभावना, मतलब कुछ लोगों ने बताया कि कुछ वोट वहां पर उन्होंने अल्पसंख्यक वोट भी हासिल किए हैं, और चूंकि नामधारी जी की एक अपनी छवि है तो, और इस चुनाव में उन्होंने बिल्कुल अपने आप को झोंक दिया था, काफी मेहनत की थी, इतनी उम्र होने के बाद भी तबीयत बहुत अच्छी नहीं रहती, इसके बावजूद भी उन्होंने जबरदस्त तरीके से दिलीप सिंह नामधारी के लिए प्रचार किया है। तो एक उनका भी फेस वैल्यू जो वहां था उस पर उन्हें वोट मिला है, लेकिन इस आधार पर आप इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि परिणाम क्या होगा, क्योंकि अगर आप आलोक चौरसिया की बात कीजिए तो उनकी गिनती भी 15-20 हजार वोटों से ही शुरू होती है, क्योंकि जो उनका इलाका है वहां पर और जो बरई वोटों का एक बड़ा तबका है, वो पूरा का पूरा जो है वो आलोक चौरसिया को ही जाता है। और इसके अलावा जो बीजेपी के कैडर वो हैं, या जो बीजेपी के कैडर वोटर कह लीजिए, इस तरह के भी लोग हैं, वो बीजेपी को वोट करते ही हैं। इसके अलावा योगी की सभा वहां पर टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है, क्योंकि राजपूतों में कुछ नाराजगी थी, क्योंकि कुछ एक प्रत्याशी ऐसे हैं जो भाजपा से टिकट की उम्मीद में थे, तो उनको भी लगता था कि हाँ वो नाराजगी दिख रही थी, लेकिन योगी की सभा एक टर्निंग पॉइंट वहां पर साबित हो सकती है, क्योंकि अगर राजपूतों ने बीजेपी को ही वोट कर दिया होगा तब तो वो पूरी तरह से मुकाबले में रहेंगे। तीसरी तरफ अगर आप KN त्रिपाठी की बात कीजिए तो ब्राह्मणों का बल्क में वोट उनको मिला है, जो बड़ा हिस्सा है वो उनके पास गया है, कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोट है वो तो जाता ही है, और साथ ही साथ जो है मुस्लिमों का बड़ा चंक KN त्रिपाठी की तरफ ही गया हुआ जान पड़ता है, जो सूचना मिल रही है। तो एक तरह से बिल्कुल कंप्लीट ट्राइंगुलर फाइट आप कह सकते हैं, और इस मुकाबले में बाजी किसी के भी हाथ लग सकती है, जीत हार का मार्जिन जो है वो थोड़ा कम होगा पिछली बार की तुलना में।
बाकी सीट पे देखें लगभग 60% के आसपास यहाँ पर वोटिंग हुई है, तो यहाँ का मुकाबला भी त्रिकोणीय बनता हुआ नजर आ रहा था। फिलहाल ये जो पिछली बार से अगर तुलना करें तो क्या नजर आता है कि अगर हम पाकी की बात करें तो यहाँ इस बार कितना वोट प्रतिशत है? लगभग 60% के आसपास है, 60% के आसपास है, तो ये पिछली बार से कम है। ये पिछली बार यहाँ पर 65.13 है अभी पाकी में, हाँ तो 65.13% है, तो ये ऑलमोस्ट पिछली बार के बराबर हो गया। पिछली बार 66.68% था, तो इस लिहाज से देखें और जब अंतिम आंकड़े आएंगे तो 2-3% आमतौर पर हमने देखा है कि वो बढ़ जाता है, तो वैसी परिस्थिति में ऑलमोस्ट वही स्थिति रहेगी या उससे 1-2% ज्यादा जो है हो सकती है। तो पाकी में जो मुकाबला है यहां भी ट्राइंगुलर फाइट ही आप कह लीजिए, क्योंकि यहां पर बीजेपी से जो है वो शशि भूषण मेहता हैं, अभी विधायक भी हैं, सिटिंग सीट है उनके लिए, और जो कांग्रेस से हैं वो लाल सूरज को टिकट दिया गया है, और बिट्टू सिंह का वहां से टिकट कटा था, विदेश सिंह के बेटे हैं और वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, और मुझे लगता है कि बिट्टू सिंह जितना बेहतर करेंगे लाल सूरज को उतनी परेशानी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर मुमताज भी हैं, तो वो अपने हिस्से का वोट निकाल लेते हैं, कुछ अल्पसंख्यक वोट उनके पास भी चला जाता है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि शशि भूषण मेहता जो हैं वो फिलहाल खुश दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन अब आगे क्या होता है ये बातें बताना बड़ा मुश्किल है। एक चीज हुई थी मनीष वहाँ पर, खबर आई थी कि इनके खिलाफ यानी कि पाकी भाजपा जो है जी, इनके खिलाफ कुछ लोग वहाँ पोस्टरबाजी भी किए थे कि इनको टिकट न दिया जाए, यानी इनको टिकट मिलने के बाद तो काफी विरोध हुआ था। हालांकि बाद में शशि भूषण जी ने कहा था कि ये हमारे विरोधी हैं जो नहीं चाहते हैं, अब वो कहाँ गए खिसक करके, तो ये भी एक दिलचस्प हो जाएगा। एक चीज और भी है इसमें, अगर हम बात करें राकेश जी, पिछले बार जीत का अंतर रहा था 21.1% रहा था उनके जीत का अंतर, मतलब वोटिंग परसेंटेज उनके बात करें तो जीत का अंतर की मैं बात कर रहा हूँ, वरना जो वोट पड़े थे उनको 52.8% उनको वोट पड़े थे, तो ऐसे में इस बार क्या लग रहा है? और उस वक्त देवेंद्र कुमार सिंह थे कांग्रेस से और 55,994 वो वोट पाए थे, और अभी आपने मुमताज अहमद की बात की, मुमताज अहमद खान जो है उस वक्त उन्होंने 9,419 उनको वोट मिले थे, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है इस बार जो जीत का अंतर है वो क्या तो उसमें कोई ऊपर नीचे हो सकता है, जीत का अंतर ज्यादा होगा या फिर लग रहा है कि इस बार थोड़ा फाइट टफ होने वाली है? देखिए होता क्या है कि पिछली बार जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो जो लाल सूरज जो अभी कांग्रेस के टिकट पर हैं वो उनकी मदद कर रहे थे, तो जो लाल सूरज के समर्थक थे उन्होंने भी शशि भूषण मेहता को ही वोट किया था, लेकिन इस बार जब लाल सूरज अलग होकर कांग्रेस से लड़ रहे हैं तो वो अपने हिस्से का वोट लेकर निकल जाएंगे। लेकिन एक बात और भी है कि देवेंद्र सिंह को जो वोट मिला था लग 31.5% के आसपास, उसमें से भी एक बड़ा हिस्सा लेकर देवेंद्र सिंह निकल जाएंगे, क्योंकि जब वो निर्दलीय हो रहे हैं तो यहां तीन खाने में वोट गिर रहा है, तो हो सकता है कि उतने वोट शशि भूषण मेहता को ना आए, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि मार्जिन में फर्क हो सकता है, लेकिन सुखद स्थिति में मुझे लगता है कि वो होंगे, क्योंकि देखिए मुमताज अहमद खान की भी बात कर लीजिए तो वो मजबूत कैंडिडेट हैं। अब विनोद सिन्हा यहां पर चुनाव लड़ रहे थे, अब वो क्या कोई सेंधमारी कर पाए हैं शशि भूषण मेहता के वोटों में, अब मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है जो जानकारियां आ रही हैं उसके अनुसार, हालांकि सब कुछ पता तो 23 नवंबर को चल ही जाएगा, लेकिन अभी देखकर लगता है कि ट्राइंगुलर फाइट यहां पर बनी है शशि भूषण मेहता और देवेंद्र कुमार सिंह और लाल सूरज के बीच में, देवेंद्र कुमार सिंह मतलब कि बिट्टू सिंह के बीच में, तो एक ट्राइंगुलर फाइट है। मुमताज जितना ज्यादा वोट लाएंगे लाल सूरज की परेशानी उतनी अधिक बढ़ती चली जाएगी। चलिए और पलामू प्रमंडल की और भी कई सीटें हैं उन पर चर्चा करते हैं मनीष जी, बाकी जो सीट है छतरपुर की, तो हम छतरपुर की बात कर लेते हैं। तो अगर हम छतरपुर पर आए तो वोट प्रतिशत जो 2019 में था वो यहाँ 61.83% था, तो इस बार कितना है?
छतरपुर में लगभग आंकड़े उसी के आसपास 60.88% वोटिंग, 60.88% कोई बदलाव, कोई खास बदलाव नहीं, तब कोई खास बदलाव नहीं है और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट उसी के आसपास आंकड़ा आएगा, 1-2% का इजाफा होगा। लेकिन छतरपुर का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर कई कोण जो है वो खुले हैं और ये उन 3 सीटों में है जहां पर की फ्रेंडली फाइट की हम लोग बात कर रहे हैं या सुन रहे हैं या देख रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस से राधा कृष्ण किशोर भी हैं और आरजेडी से विजय राम भी हैं, और इतना ही नहीं लोकसभा चुनाव आरजेडी के टिकट पर लड़ने वाली ममता भुइया भी हैं। तो ये यहाँ की स्थिति है। पुष्पा देवी बीजेपी के टिकट पर हैं, राधा कृष्ण किशोर के साथ एक बात जो रहती है उनका इस क्षेत्र में जो है उनकी एक पहचान रही है, और एक दिलचस्प आंकड़ा भी है कि हर अल्टरनेट इलेक्शन वो जीत जाते हैं, तो उस हिसाब से उनका टर्न आ रहा है। लेकिन क्या वाकई ये वोटों में तब्दील होगा, और अगर नहीं होगा तो फिर मुझे लगता है कि ये जो फ्रेंडली फाइट है ना वो उसमें कड़वाहट घोल सकता है, तो ये एक चीज जो है वो दिलचस्प होगी। हालांकि यहां पर देखें तो राधा किशोर ने पूरा जोर लगाया है और कोशिश की है कि वो बेहतर से बेहतर करें, लेकिन पुष्पा देवी का भी अपना एक यहां पर वोट बेस है, और वो वोट बेस ही आपको बताता है कि पिछली बार वो यहां से 26,792 वोटों से जीतने में कामयाब रही थी और लगभग 40% के आसपास उनको वोट मिले थे, 39.4% वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर पिछली बार यहां से आरजेडी था और राधा कृष्ण किशोर आजसू से उस वक्त लड़ रहे थे, तो अब अगर आजसू के वोट वो राधा कृष्ण किशोर के वोट ना होकर आजसू के वोट हुए तब तो पुष्पा देवी बहुत सुखद स्थिति में है, लेकिन अगर वो आजसू के वोट ना होकर सिर्फ राधा कृष्ण किशोर के वोट हुए तो वो जो 10% है और उसके बाद जो वो अपना वोट कांग्रेस का इसमें जोड़ पाएंगे तो एक फाइट आपको देखने को मिल सकती है। तो एक टफ सीट है, फैसला किस पक्ष में आता है बताना थोड़ा सा अभी मुश्किल जान पड़ रहा है, लेकिन है दिलचस्प। और यहां पर मैं बता दूं कि अगर इंडिया गठबंधन का खेल बिगड़ता है तो इसके लिए बीजेपी से ज्यादा वे खुद जिम्मेदार होंगे। चलिए अगली सीट पे भी चर्चा कर लेते हैं। विश्रामपुर है पलामू की प्रमंडल की एक और सीट, 62.63% मतदान हुआ है विश्रामपुर में, तो क्या विश्रामपुर की जनता बदलाव चाहती है? विश्रामपुर में किस तरह का फाइट नजर आया? अब जब चुनाव संपन्न हो गए हैं तो कैसा मुकाबला दिखा इसमें विश्रामपुर के बारे में? मनीषा जी आपने रिपोर्टिंग लगातार की है, क्या वहां पर सीन बनता है, क्या वहां समीकरण काम करते रहे हैं? देखिए मनीष जी, ये आपको बताऊं कि जो विश्रामपुर की अगर हम लोग बात कर लें तो आप तो ये जान ही रहे कि जो रामचंद्र चंद्रवंशी हैं वहाँ से पिछले 2 टर्म से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते हैं और इससे पहले भी वो 2 बार जो है यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, तो उनकी पकड़ वहाँ पर मजबूत है। लेकिन विश्रामपुर की समस्या ये भी रही है कि वहाँ पर डायरेक्ट फाइट जो है वो देखने को नहीं मिलती है। आमतौर पर हम कहते हैं त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय, यहाँ पर उससे ज़्यादा कोण खुल जाते हैं। और इस बार भी अगर आप बात कीजिए तो रामचंद्र चंद्रवंशी बीजेपी के टिकट पर तो हैं ही, नरेश प्रसाद सिंह आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और यहां भी फ्रेंडली फाइट है, और यहां पर सुधीर कुमार चंद्रवंशी जो हैं वो चुनाव जो है आपको लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर, और इसके अलावा बीएसपी के राजेश मेहता हैं जो पिछली बार सेकंड पोजीशन पर थे, तो उनको आप कमतर नहीं आंक सकते। और इसके अलावा आप देखिए जागृति दुबे यहां से चुनाव लड़ रही हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इन्हें भी वोट अच्छा आने जा रहा है। और इसके अलावा अंजू सिंह हैं, पिछली बार इन्होंने भी 13% वोट लाए खड़े हैं और इस बार वो समाजवादी भी कहा जा रहा था कि हुसैन बात पर चर्चा कर रहे थे रंजन जी, मुकाबला आप बता रहे थे और इस बार बसपा के कैंडिडेट भी बहुत मजबूती के साथ यहाँ मैदान में हैं। एक सवाल और इसमें हम भी जोड़ना चाहेंगे, देखिए पिछली बार कमलेश कुमार सिंह 41,200
1993 वोट पाए थे, संजय सिंह यादव जो कि राजद से थे 31,444 वोट पाए थे, शेर अली जो कि उस वक्त बसपा के प्रत्याशी हुआ करते थे 28,877 वोट पाए थे। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए रंजन जी, तो हुसैनाबाद में भी बसपा का अपना एक होल्ड है और बसपा के अपने एक क्या नाम है, जमीन तैयार है बसपा की, वहां पर अपना एक कोर वोटर है और ये नुकसान पहुंचा सकता है। या और यही वजह है कि मायावती वहां आई और क्यों आई ये भी बता देता हूं, क्योंकि यहां पर जो शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के वोटों की हम बात करते हैं तो वो 34.79% मतलब ऑलमोस्ट 35% के आसपास पहुंच जाता है। और जब इसमें कुशवाहा शिवपूजन मेहता एड ऑन होते हैं तो फिर जो आपको कोयरी कुर्मी कुशवाहा का जो वोट होता है वो भी एड ऑन हो जाता है, तो एक बहुत अच्छी संख्या जो है वोटों की वहां पर बन जाती है। और इस बात को बीजेपी ने भी महसूस किया और यही वजह है कि हुसैनाबाद में चिराग पासवान की भी रैली लगाई गई और चिराग पासवान ने भी वहां रैली की। और जो एक यहां पर अंतर विरोध की बात आ रही थी कि यहां पर विनोद सिंह पिछली बार भी निर्दलीय लड़े थे, इस बार भी वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, और निर्दलीयों में अगर कमलेश सिंह को कोई सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है तो वो विनोद सिंह ही पहुंचा रहे हैं। कर्नल संजय भी यहां पर चुनावी मैदान में है, तो यहां पर चूंकि इसको मिनी चित्तौड़गढ़ कहते हैं हम लोग झारखंड का, तो यहां पर लास्ट में योगी आदित्यनाथ की सभा लगा दी गई। और जब योगी आदित्यनाथ की सभा लगी है उसके बाद क्या इंपैक्ट होता है, क्या राजपूत वोटर्स वापस कमलेश सिंह की तरफ आते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और विनोद सिंह कितना डेंट मार पाते हैं उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन एक बात मैं कह दूं कि यहां पर जो आरजेडी है, चूंकि हमने अभी तक उनका नाम ही नहीं लिया, संजय कुमार सिंह यादव की बात करूंगा, उनका इक्वेशन भी बहुत सही है, मुस्लिम 14.1 और यादव 7.8%, तो 22-23% का उनका वोट भी इंटैक्ट है। अब मुस्लिम एक तरफ आरजेडी की तरफ गए हैं या उसमें बसपा ने भी अपना हिस्सा निकाला है, ये देखना दिलचस्प होगा और परिणाम इसी पर निर्भर रहने वाला है। चलिए अगले पलामू की जो और सीट बची हुई है रंजन जी, अगर तो उस पर भी हम चर्चा कर लें फिर अगले प्रमंडल की ओर बढ़ते हैं। तो हमने डाल्टनगंज की बात कर ली, विश्रामपुर की बात कर ली, हुसैनाबाद की बात कर ली, छतरपुर की भी बात हो गई, और एक बहुत ही हॉट सीट है गढ़वा की सीट, जहां मंत्री मिथिलेश ठाकुर वहां पर हैं और उनके सामने सत्येंद्र तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन टेंशन जो बढ़ाई है वो गिरिनाथ सिंह ने बढ़ाई है साइकिल पर चढ़कर, और वो परेशानी का एक सबब जो है वो मंत्री महोदय के लिए है। अब इसका कितना इम्पैक्ट हुआ है वो तो खैर 23 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिए तो सत्येंद्र नाथ तिवारी जो है पिछली बार उनको 34.66% और 44.46% मतलब लगभग जो फर्क था दोनों के बीच में 9.80% का था। अब अगर इस गैप को पाटना है सत्येंद्र नाथ तिवारी को, तो आपको करना क्या होगा कि जो 9.80% वोट है तो उसमें आधे से ज्यादा निकालना होगा। तो अगर 5% वोट मिथिलेश ठाकुर से अपने पाले में निकालने में सत्येंद्र नाथ तिवारी परसेंटेज कुछ इशारा कर रहा है रंजन जी, जो 66.46% अगर ये बढ़ता है तो 67 तक जाएगा, तो ये परसेंटेज कुछ इशारा करता है कि ये बढ़ेगा तो खींच सका है, या ये बढ़ेगा तो 68 तक जा सकता है। पिछली बार ये 65.66% था, तो पिछली बार से ज्यादा वोटिंग हुई है। जब ज्यादा वोटिंग होती है तो कहने को तो ये भी कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से होती है, और कहने को ये भी कहते हैं कि अगर शहरी इलाके में वोटिंग थोड़ी ज्यादा हो तो बीजेपी को फायदा होता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर ये भी देखने की है कि ये गिरिनाथ सिंह का भी तो इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि उनके आने से जो उनके वोटर्स जो बहुत चुनाव में सक्रिय नहीं रहते थे वो भी निकल कर आए हों गिरिनाथ सिंह को वोट करने के लिए। तो ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वो साइकिल की वजह से बढ़ा है, कमल की वजह से बढ़ा है, या फिर जो मिथिलेश ठाकुर का दावा है कि उन्होंने विकास के बहुत सारे काम किए हैं, तो हो सकता है कि विकास के नाम पर भी लोग निकल कर आए हों और उन्होंने जो है तीर धनुष पर जो है वोट डाला हो। तो एक ट्राइंगुलर फाइट आप यहाँ पर देख सकती हैं। यहाँ पर हालांकि AIMIM के भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर मोहम्मद नजीबुद्दीन खान, अगर उन्होंने खेल नहीं बिगाड़ा तो एक क्लोज फाइट यहाँ पर जो है वो देखने को मिलने वाला है। बार हुआ था ये क्या नाम है, वीरेंद्र प्रसाद जो कि 10,638 वोट पाए थे और
मोहम्मद नजीबुद्दीन खान जो है 6231 वोट पाए थे, जो कि एक जो बीजेपी के लिए एक सरदर्द बन गया था, और ये खेल बिगाड़ दिया, जो इससे बीजेपी का खेल काफी बिगड़ गया था पिछली बार चुनाव। नहीं, नजीबुद्दीन खान ने तो जो वोट लाए होंगे उससे बीजेपी को थोड़ी राहत मिली होगी, मुझे लगता है इंडिया फोल्डर के ही वोट काटे होंगे उन्होंने। साइकिल की बात हुई है तो मैं बता दूं कि उमा शंकर बरही से तो हमने उनसे पूछा भी था कि साइकिल की सवारी इस उम्र में, तो बड़ा दिलचस्प उनका जवाब था कि साइकिल की सवारी आप कभी भी कीजिए, बड़ा हेल्दी होता है, स्वास्थ्य के लिए बड़ा ये है। अब यहाँ जो ये साइकिल की जो भी सवारी कर रहे हैं, अब ये इनके लिए कितना हेल्दी है और इंडिया गठबंधन और बाकी के लिए कितना अनहेल्दी होगा, ये दिलचस्प हो जाएगा। जो इंडिया गठबंधन का स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है ये साइकिल की सवारी जो है जो लोग कर रहे हैं, एक सीट इंडिया फोल्डर से हट सकती है जो सिटिंग सीट रही है। पलामू में कुछ और कहना है या फिर आगे बढ़े? एक भवनाथपुर की सीट बच गई, ये भी बहुत हॉट सीट है। भवनाथपुर में पिछली बार 67.59% की वोटिंग हुई थी, इस बार 68.20 दिख रही है। अभी 5 बजे तक अब इसमें 1-2% बढ़ेगा। अब क्यों बढ़ा ये बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही बहुत प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, भानु प्रताप शाही और सामने छोटे राजा हैं, तो दोनों जो है इनकी एक पर्सनालिटी है, और मैं कह सकता हूं कि ये पर्सनालिटी क्लैश भी है, अपार्ट फ्रॉम जो आप पार्टी जो एक दूसरे के सामने है। और पिछले कई चुनावों से हम लोग देख रहे हैं कि भवनाथपुर में आप देखिएगा कि भानु प्रताप शाही और जो छोटे राजा हैं अनंत प्रताप देव, उनके बीच मुकाबला होता आया है, और इस बार भी जो है स्थिति वैसी ही दिख रही है। फर्क ये है कि आम तौर पर भवनाथपुर में तीसरा कोण बनता था जो कि बीएसपी बनाता था, लेकिन इस बार भी बीएसपी से प्रत्याशी हैं वहां पर, पंकज कुमार हैं, और यहां पर भी एसपी की साइकिल यहां पर भी है, उमेंद्र कुमार यादव यहां पर जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जो मैं बात कहना चाह रहा था कि यहां पर आप देखिए कि जो बीएसपी को वोट पिछली बार मिले थे 22.28%, मतलब वो दूसरी पोजीशन पर थे, और अनंत प्रताप देव तीसरी पोजीशन पर चल गए थे क्योंकि वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, और कांग्रेस का प्रत्याशी चौथे स्थान पर था, यही वजह है कि कांग्रेस के हाथ से ये सीट चली गई। लेकिन तब जब बीएसपी की जो प्रत्याशी थी सोगरा बीबी थी, और उन्होंने अल्पसंख्यक वोट में अच्छी सेंधमारी की थी, लेकिन सोगरा बीबी अब अनंत प्रताप देव के साथ चुनाव प्रचार कर रही है, चाहे सोगरा बीबी हो चाहे ताहिर अंसारी हो, दोनों जो है अनंत प्रताप देव के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो वो बीएसपी का खेमा थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लगता है कि कमजोर पड़ा है, और जो अल्पसंख्यक वोट जो पहले बट रहे थे आपको दो खेमों में, वो एक जगह कंसोलिडेट होगा अनंत प्रताप देव के पक्ष में। हालांकि बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई, और भवनाथपुर का एक सबसे जो दिलचस्प है कि वो पर्टिकुलर एरिया है, किसी एरिया में आप जाए वहां पता लगाना बड़ा मुश्किल, अगर आप एक एरिया में जाइए तो सभी आपको अनंत प्रताप देव की तारीफ करते मिल जाएंगे, फिर किसी दूसरे एरिया में जाइए तो सब भानु प्रताप शाही कहते हुए मिल जाएंगे। तो अगर कोई एक दो क्षेत्र गया हो, पता नहीं किस क्षेत्र में चला गया, अंदाज लगाना मुश्किल है, बहुत टफ फाइट है यहाँ पर मुझे लगता है। यही होता है, यही है कि लोकसभा जो चुनाव होता है वहाँ राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे हो सकते हैं, कई मुद्दे होते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में पर्सनल कनेक्टिविटी जो कनेक्शन होता है मतदाता और उम्मीदवार के बीच, ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, यही वजह है। लेकिन दिलचस्प ये बात है कि साइकिल की सवारी करने में ठीक है, जिनको टिकट नहीं मिला वो शंकर वो चले गए, बाकी लोग की बसपा हाथी भी चाल चल दी है, ये बड़ा दिलचस्प ये सोचने वाली बात नहीं। और यहाँ पर आप देखिए कि बीजेपी ने भी जो चुनाव प्रचार किया है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि योगी आदित्यनाथ की सभा भी लगाई गई, चूंकि वो राजपूत वोटर्स को कंसोलिडेट करने की बात थी। इसके अलावा चूंकि यहाँ पर यादव वोटर्स भी अच्छी संख्या में है, लगभग 6.5-7% के आसपास यादव वोटर्स हैं, तो यहाँ पर दिनेश चंद निरहुआ को भी बीजेपी ने भेज दिया और वो भी यहाँ पर जाकर सभा कर आए हैं। तो एक मैंने कहा ना, इधर कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन सब जा रहे, प्रधानमंत्री की सभा गढ़वा में हो गई, तो इन सारी चीजों के जरिए जो है सीटों को साधने की कोशिश जो है वो एनडीए और इंडिया फोल्डर दोनों पक्ष से जो है वो दिखता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भवनाथपुर की सीट है वो नेक टू नेक सीट है, आप किसी को आप एज नहीं दे सकते अभी, जैसा मैंने कहा ना कि आप एक क्षेत्र में जाइए एक तरफ की हवा है, दूसरे क्षेत्र में जाइए दूसरे तरफ की हवा है,
तो इसलिए इस क्षेत्र में अंदाज लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे लगता है कि यहाँ टफ फाइट है। चलिए पलामू प्रमंडल को हमने क्लियर कर लिया है, दो सीट बच जाएंगे मनिका और लातेहार। तो कोल्हान पर मैं आना चाह रही थी, लेकिन इन दोनों सीटों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एडिटर इन चीफ गंगेश कुंजन भी जुड़े हुए हैं। गंगेश जी, पलामू प्रमंडल की सीटों पर हम चर्चा कर रहे थे, अब मनिका और लातेहार की सीटें बची हुई हैं, तो यहाँ पर जो मुकाबला है, जो परसेंटेज अभी फिलहाल दिख रहा है, आंकड़े तो रंजन जी के पास हैं, आंकड़ों के बाद आपके पास आते हैं कि इस बार हवा की जो बात है वो दिख नहीं रही, मुकाबले दिलचस्प हैं, किन मुद्दों के साथ मुकाबले इस क्षेत्र में नजर आ रहे हैं, पलामू से खास जुड़ाव भी आपका रहा है। रंजन जी, पहले समझ लेते हैं परसेंटेज के हिसाब से कि क्या अंतर इस बार दिख रहा है। देखिए, मनिका में पिछली बार 63.24% वोट पड़े थे और इस बार वो बढ़ा है 64.15%, तो मतलब मानकर चलिए कि अभी 1.5-2% और बढ़ जाएगा तो ये 66 के आसपास तक पहुंच सकता है मनीष। तो अगर यहां पर अगर ये जाता है तो ये चुनाव दिलचस्प बन रहा है, और इसलिए बन रहा है कि देखिए, हालांकि मनिका की बात कीजिए तो यहां जमुना सिंह बीजेपी के लगातार जीतते रहे हैं और उन्होंने यहां से 5 बार जीत हासिल की है। वो बीजेपी से चुनाव लड़ते थे, लेकिन उनके बाद जो है आपको रामचंद्र सिंह आते हैं और उन्होंने एक अपनी पहचान यहां पर बनाई है। वो भी पहले आरजेडी से लड़ा करते थे, फिर अब वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं और पिछली बार उन्होंने एक अच्छी जीत दर्ज की थी, 16,240 वोटों से जीते थे। और दिलचस्प ये है कि ये चतरा सीट का हिस्सा है मनिका, लेकिन लोकसभा चुनाव में बाकी हर जगह से बीजेपी लीड करने में चतरा कंस्टिट्यूएंसी में सफल रही थी, एकमात्र मनिका था जहां पर कांग्रेस को 1,500 वोटों की लीड मिली थी। तो इससे लगता है कि हाँ, रामचंद्र सिंह जो है उनका एक प्रभाव है, लेकिन उनके लिए जो तनाव है वो बढ़ा रखी है मुनेश्वर उरांव ने, जो कि वहां पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे, वो बागी बनकर चुनाव लड़ रहे हैं। मुनेश्वर उरांव कांग्रेस के टिकट पर 2014 में भी लड़ चुके हैं, उस वक्त उन्होंने लगभग 22% वोट लाए थे, तो कमजोर प्रत्याशी नहीं है। अब अगर चूंकि जो लोकसभा चुनाव की बात करें तो बढ़त सिर्फ 1,500 वोटों की है, अब अगर उन्होंने जो है 10-12% वोट ले आए तो हरे कृष्णा सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, बनाए गए हैं इस बार, वो बाजी मार सकते हैं। हालांकि पिछली बार जी गंगेश जी के पास वक्त कम है, उनके पास चलते हैं। गंगेश जी, पलामू पर जब हम चर्चा कर रहे थे, लातेहार और मनिका की सीटें बची थी, पलामू का मिजाज क्या रहा है, पलामू से खासा जुड़ाव भी आपका रहा है, यहाँ पर हवा जैसी कोई चीज रहती है या किसी खास पार्टी को सपोर्ट करती हुई जनता नजर आती है या फिर मिक्सचर यहाँ पर नजर आएगा इस बार पिछले बार की तुलना में? मैंने कहा पलामू पे असर जो है वो सांस्कृतिक और सामाजिक असर तो बिहार का है, लेकिन राजनीतिक असर बिल्कुल अलग दिखता है। हालांकि राजद का प्रभाव है वहाँ पर और हम कह सकते हैं कि दूसरे जो बिहार के दल रहे हैं पहले वो प्रभावी रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो बीजेपी को इंट्रोड्यूस करने वाले थे इस पूरे प्रदेश में, तब एकीकृत बिहार हुआ करता था, बिहार और झारखंड दोनों एक साथ हुआ करता था, तब इंदर सिंह नामधारी होते थे और उन्होंने घूम घूम कर एक तरह से बीजेपी को यहाँ स्थापित किया, फिर वो बीजेपी से अलग हो गए। लेकिन उनके उन्होंने जिस तरह से इसे सींचा वो आज तक वहाँ बाकी है। इस बार की जहाँ तक हम बात करें, वहाँ आम तौर पर छोटे छोटे मुद्दे कई बार सीटों में बदलाव ला देते हैं। मिथिलेश सिंह जो कि मिथिलेश ठाकुर जो कि मंत्री हैं वहाँ पर, उनको लेकर जो नाराज़गी थी, मैंने पता किया वो नाराज़गी बहुत बड़ी नहीं थी, अगर उन्होंने उसे सॉर्ट आउट कर लिया होगा तो शायद स्थितियाँ ठीक हो गई होंगी। लेकिन जो वोट प्रतिशत बता रहे हैं अपने आप में वो बहुत बदलाव की ओर संकेत नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा कुछ परिवर्तन होने वाला है। हमारे साथ रोमिता हैं जो पहली बार चुनाव कवरेज से जुड़ी रही हैं और हम इनको इंट्रोड्यूस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही भविष्य है और पत्रकारिता आगे इन्हीं के कंधों पर चलने वाली है, तो उनको एक बार हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं। और यूथ का मुद्दा जो आप लोग चर्चा कर रहे थे, मैं सुन रहा था कि यूथ और महिलाएं इस बार बहुत निकल कर आएँ, रमिता क्या वजह है कि यूथ इस बार वोट डालने ज़्यादा निकले हैं, क्या आपको लगता है?
एक्चुअली यूथ की ना इस पर बहुत समस्याएं हैं, जैसे रोजगार को लेके उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है और उनकी सबसे बड़ी समस्या रोजगार है। और महिलाओं की अगर बात करें तो सुरक्षा को लेके इस पर कुछ ज़्यादा ही महिलाएं आगे आई हैं, क्योंकि सुरक्षा अभी जैसे देखा जा रहा है हमारे भारत में सुरक्षा कुछ ज़्यादा ही लड़कियों को लेकर प्रोटेक्शन कम हो गई है। जैसा सरकार दावा करती है वैसा सुरक्षा मिलता नहीं है लड़कियों को, तो हो सकता है इस बार महिलाएं उसे लेकर आगे आई हैं कि उन्हें सुरक्षा मिले, उन्हें रोजगार मिले। महिलाएं भी बहुत पिछड़ी हुई हैं रोजगार से, तो उन्हें रोजगार मिले। और बात करें अगर यूथ की, तो यूथ की सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा और अनएम्प्लॉयमेंट। तो रोजगार तो मिलनी ही चाहिए, रोजगार बहुत कम हो गई है। तो इस बार शायद सरकार से उनकी यही सबसे बड़ी अपेक्षा रहेगी कि उन्हें रोजगार मिले, अच्छे स्तर पर वो काम कर सके और आगे तरक्की कर सकें। चलिए, आपने अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से रखी रोमिता। आगे उम्मीद करते हैं कि आप चुनाव के कवरेज में और आगे बढ़ेंगी। फिलहाल हम जो आप जिस मुद्दे की बात कर रही थी आशिया, वो ये था कि किस तरह के मुद्दे हैं। हम आपको बता दें कि उस पूरे क्षेत्र में एक बात बहुत ज़्यादा, और जो सिर्फ पलामू की बात नहीं है, कुछ और इलाकों में भी मैंने महसूस किया है, वो ये है कि इस जो मौजूदा सरकार है उस पर ये आरोप है कि ये अल्पसंख्यकों के साथ रही, खासकर उन मुद्दों पर जिन पर उनको नहीं होना चाहिए था, जिसमें क्राइम है और थाने में हस्तक्षेप है। तो वो एक नाराज़गी उस पूरे क्षेत्र में रही है। जो जितना दबंग नेता रहा अपने क्षेत्र का, जो मौजूदा सरकार में शामिल है, उसने उतना ज़्यादा सपोर्ट किया है या उनके सपोर्ट से अपनी राजनीति चमकाई है या हिंसा को सहारा बनाया, ये आरोप है वहाँ के लोगों का। और मेजर एंटी इनकम्बेंसी कुछ नहीं है, ये मैं बार बार आपको कहूँगा कि मेजर एंटी इनकम्बेंसी कुछ नहीं है, क्योंकि लोगों ने यहाँ दूसरी सरकारों को भी देखा है तो उनको बहुत ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है कि रघुवर सरकार में बहुत सारी सड़कें बनी हैं, वो सब एक इम्पैक्ट रहा है, लोगों का कहना है कि सड़कें नहीं बनी, लेकिन वो मेजर इसमें इम्पैक्ट डालेगा मुझे नहीं लगता है। हाँ, लेकिन ये एक मेजर इम्पैक्ट जरूर डालता है कि इस सरकार पर यह आरोप लगा है कि इन्होंने गुंडों को और ख़ासकर अपराधी तत्वों को, जो एक खास वर्ग से बिलोंग करते थे, उसको सपोर्ट किया और इसका नुकसान उनको उठाना पड़ सकता है। और आप देखेंगे कि बीजेपी जो कई जगहों पर ये चाहती थी कि डिवीज़न हो इस तरह का, वो स्वतः एक मौका मिल गया। कई क्षेत्रों में, भानातपुर के की बात करूंगा, और मैंने वहाँ बीजेपी के नेताओं का भाषण भी सुना है, वो जानबूझकर चाह रहे थे कि इस पर हिट करें इस बात पर, और वही हुआ। ग्रामीण इलाकों में पर्टिकुलरली वहाँ पर उन अपराधियों के अपराध घिनाए गए और ये बताया गया कि किस तरह इतने अपराधों के बाद भी ये आदमी बाहर है और वो सिर्फ पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलर नेता की वजह से बाहर है, इसलिए। और इसके बहाने उनको जो डिवीज़न, जो ध्रुवीकरण की बात हम करते हैं, ध्रुवीकरण करने का मौका मिला है, इसका एक इम्पैक्ट हो सकता है। और ये वो इम्पैक्ट है जो ऊपर से नहीं दिखता है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। आप नाराज़ होते हैं दूसरे मुद्दों पर तो आप खुलकर बोलते हैं, लेकिन जब आप सांप्रदायिक रूप से कहीं आधार बनाकर ध्रुवीकृत होते हैं तो आप कुछ नहीं बोलते और चुपचाप अपना काम कर जाते हैं। तो अगर इस तरह का कुछ फैक्टर बीच में काम किया है, जो कि जब मैं उस इलाके में था वो साफ साफ काम करता हुआ दिख रहा था, तो इसका रिजल्ट चौंकाने वाला हो सकता है। अदरवाइज कोई मेजर एंटी इनकम्बेंसी मुझे नहीं दिखी है वहाँ। चलिए, तो पलामू पर रंजन जी आप भी चर्चा कर रहे थे, मनिका पर हमने चर्चा की है, लातेहार में भी देखिए मंत्री की प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर है। बैजनाथ राम इस बार मंत्री हैं और इस बार उम्मीदवार भी हैं, और यहाँ पर देखिए दोनों राम में से जनता किसे चुने वो वाला सवाल रहता है। यहाँ तो बारी बारी आती रहती है। हाँ। अगर आप देखें तो इतिहास जो है पिछला यही कह रहा है, पिछले 20-25 साल से इन्हीं दोनों के बीच मुकाबला हो रहा है। और आपको बता दूं कि बैजनाथ राम पिछली बार 16,328 वोटों से जीते थे, 42% के आसपास उनको वोट आया था, और प्रकाश राम को 33% के आसपास वोट आया है। लेकिन अब बैजनाथ राम मंत्री बने हैं, तो इसका अपना फायदा होता है, तो इसका अपना नुकसान भी होता है, दोनों चीज़ आपको
उठाने पड़ते हैं। अब यहाँ पर लगभग 9% का जो है वो विन मार्जिन है, तो मतलब प्रकाश राम के सामने चुनौती है कि वो 5% का स्विंग अपनी तरफ लेकर आए, क्या वो ऐसा कर पाते हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। हालांकि आपको एक बात और बता दूं कि अभी तक पलामू में वैसा JLKM का प्रभाव दिखा नहीं, लेकिन यहाँ पर संतोष कुमार पासवान जो है वो JLKM के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और वो पिछली बार लड़े थे तो वो 16,000 वोट लाने में कामयाब हुए थे, तब वो JLKM के प्रत्याशी नहीं थे, लेकिन तब भी उन्होंने अगर 9% वोट लाया था तो क्या JLKM के नाम पर वो अपना वोट प्रतिशत बढ़ा पाएंगे? कि अगर वो अपना वोट बढ़ाते हैं तब फिर प्रकाश राम के लिए वापसी थोड़ी मुश्किल होगी और फिर बैजनाथ राम को उसका फायदा दिखेगा। हालांकि जो यहां पर आप जातीय समीकरण देखते हैं तो ST वोटर्स जो हैं वो 33.71% और मुस्लिम 12.1%, यानी ये दोनों मिल गए तो किसी को भी जिता सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि यहां ST वोटर्स में भी बंटवारा है, SC वोटर्स में भी बंटवारा है, तो अब जब ये बंटवारा होता है तो इसका जो है आपको यही वजह है कि एक बार ये एक बार वो हो जाते हैं यहाँ पर, तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ का चुनाव जो है वो दिलचस्प होगा। और यहाँ पर बैजनाथ राम और प्रकाश राम में से बाजी तो इन्हीं दोनों में से कोई एक मारेगा, लेकिन मेरी नजर जो है वो संतोष कुमार पासवान पर जरूर लगी हुई है। पिछली बार तीसरे नंबर पे थे भी वो संतोष कुमार पासवान। देखेंगे कि जयराम महतो की जो पार्टी है महतो, तो उन्होंने साधा ही, साथ ही साथ अपने संगठन में अल्पसंख्यक लोगों को इन्होंने बड़ी जगह दी है, उन्हें टिकट भी दिया है, तो महतो वोट और संख्यक को ये साधने की कोशिश की। वो किसी एक फेस को लेकर फिक्स नहीं होना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं उनके लिए आयाम खुला हो, आयाम खुला। पहली बार वो चुनावी मैदान में बगोदर में तैयार नहीं कर रहे। बगोदर में सलीम अंसारी को टिकट दिया है, कहीं और भी या संगठन में भी आप देखेंगे तो प्रवक्ता वो बनाते हैं अपने इन लोगों को, तो ऐसे लोग सभी का समावेश है उनके पास। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात है जो रंजन जी ने बताया कि वहाँ बारी बारी से आते हैं, हालांकि तो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है, एक साल हमने इनको मौका दिया अगले किसी और को देते हैं, लेकिन वहां भी भूमिका अब जयराम की जो उम्मीदवार है उनके साथ ये निर्णायक हो जाएगी। मेरा व्यक्तिगत कोल्हान पर हम चर्चा कर लेते हैं। कोल्हान की बहुत दिलचस्प मुकाबला है कोल्हान में, और बहुत सारी सीटें हाई प्रोफाइल सीटें हैं, नज़रें टिकी हुई हैं, पूरे देश की नज़रें टिकी हुई हैं। सरायकेला जो सबसे हॉट सीट अभी पूरे झारखंड में बनी हुई है, इन सब के बीच में कई नए चेहरे भी नज़र आ रहे हैं और मुकाबला दिलचस्प सरयू राय भी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। पश्चिमी को पूर्वी को छोड़कर पश्चिमी में फिर से चुनावी मैदान में सरयू राय हैं, तो एक एक कर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सरयू राय की ही सीट पर चर्चा कर लेते हैं। बन्ना गुप्ता से उनका मुकाबला यहाँ बेहद दिलचस्प बनता हुआ नजर आ रहा है। वोटिंग परसेंटेज क्या इशारा करते हैं सरयू राय, जिन्होंने रघुवर दास को पिछली बार चुनाव में हराया था, इस बार बन्ना गुप्ता के लिए कितनी मुश्किल है? देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर जमशेदपुर पश्चिमी की, तो देखिए जमशेदपुर पश्चिमी में पिछली बार 53.92% वोट पड़े थे और इस बार वो ऑलमोस्ट 56% दिख रहा है, 55.95 है, तो एक सिग्निफिकेंट इंक्रीजमेंट दिख रहा है यहाँ पर। और ये जब अगर 2% भी और बढ़ गया तो वो 58 के पास चला जाएगा, 5% ज्यादा। अब ये जो बढ़ा है तो मैं बहुत चौंकूंगा नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि दो हाई प्रोफाइल लीडर इस बार आमने सामने हैं। पिछली बार बन्ना गुप्ता के सामने देवेंद्र नाथ सिंह थे, इस बार बन्ना गुप्ता और सरयू राय की भिड़ंत है, दोनों का प्यार सभी जानते हैं। और रिकॉर्ड भी जो रहा है रंजन जी, वो यहाँ सरयू राय को ही फेवर करता हुआ दिखाया, जब वो नहीं थे तो बन्ना गुप्ता तब जीते हैं। नहीं, उन्होंने सरयू राय को एक बार पराजित किया है 2009 में, दो बार सरयू राय जीते हैं, एक बार बन्ना गुप्ता जीते हैं, स्कोर लाइन 2-1 है। अगर इसे आप फुटबॉल या हॉकी का मैच समझे तो ये 2-1 है। अब बन्ना गुप्ता 2-2 करते हैं या 3-1 से सरयू राय आगे होते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन टफ फाइट है। पिछली बार वोट परसेंटेज की बात करें तो 50.28% वोट जो है कांग्रेस के खाते में गया था और 38.55% जो है वो बीजेपी के खाते में वोट परसेंटेज आया था, तो ऐसे में जो एक लंबा जो वोट परसेंटेज का जो गैप था वो तब था मनीष, जब सरयू राय यहाँ नहीं थे। सरयू राय उस वक्त पूर्वी से लड़ रहे थे, लेकिन सरयू राय के आने से मुकाबला थोड़ा बदला हुआ नजर आ रहा है। गंगेश जी भी इंतजार कर रहे हैं, उनके पास हम लोग गए थे पर आवाज नहीं पहुंच पाई। गंगेश जी, कोल्हान में तमाम सीटें बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल
फाइव बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, हॉट सीट हम कह सकते हैं, सबसे ज्यादा नजरें तो सरायकेला पर टिकी हुई है, लेकिन सरायकेला पर हम बाद में आएंगे, पहले बात कर रहे हैं जमशेदपुर पश्चिमी की। यहाँ पर सरयू राय की दोबारा वापसी से मुकाबला कितना दिलचस्प बनता हुआ नजर आ रहा है, हवा जैसी कोई बात नहीं, लेकिन सरयू राय यहाँ पर किस तरह की लहर पैदा कर पाए हैं? देखिए, पिछले चुनाव से इसकी तुलना करनी पड़ेगी। पिछले चुनाव में सरयू राय के बीजेपी छोड़ने से 4-5 सीटों पर असर पड़ा था, वो फैक्टर अब इस बार कहीं मिसिंग है। इसके अलावा सरयू राय खुद भी अपने आप में एक एक्टिविस्ट टर्न पॉलिटिशियन है, तो उनका अपना एक ये है। तो कोल्हान क्षेत्र में इन दोनों बातों को अगर हम जोड़ दें तो थोड़ा सा एज बीजेपी को ज़रूर दिखता है, और अगर ये एज है तो ये नुकसानदायक है निश्चित रूप से मौजूदा सरकार के लिए। तो मौजूदा गठबंधन को जो सरकार में है उसके लिए कोल्हान पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी था। मुझे लगता है कि जिन जगहों पर हम पहुँचे वहाँ पर बहुत साफ दिख रहा था कि घबराहट थी, एक माहौल था वैसा जो गठबंधन के प्रत्याशी थे उनमें। ऐसा नहीं था कि बहुत निश्चिंतता थी बीजेपी के कैंडिडेट्स में या जेडीयू से इस बार सरयू राय लड़ रहे हैं उनके, ये में बहुत निश्चिंतता नहीं थी, लेकिन फ़र्क बहुत साफ नज़र आता था। तो मुझे लगता है कि चंपई सोरेन फैक्टर एक है, चंपई सोरेन फैक्टर का क्या असर पड़ेगा एक दो सीट को हम देखेंगे उस पर, लेकिन सरयू राय का इस खेमे में आ जाना, तो वो जो नुकसान 4-5 सीटों का हुआ था पिछली बार, वो नुकसान तो कम हो गया। इसमें प्लस ये हो गया कि चंपई सोरेन भी आ गए, तो बीजेपी को उसमें फायदा दिखता है। अब वो वोटर टर्नआउट के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर बहुत ज़्यादा फर्क उस तरह का नहीं दिखता है ना, कि कुछ क्षेत्र में उधर अच्छी वोटिंग हुई है, तो वो दिखता है कि कुछ बयार जैसी स्थिति नहीं थी। हाँ, हो सकता है कि लोगों ने मन बदला था। पिछली बार जो सरयू राय को वोट मिला था या सरयू राय के प्रभाव वाले वोट थे वो बीजेपी के वोट थे जो विपक्ष में गए थे, तो अगर वही वोट इस बार उनके पक्ष में चले गए, बीजेपी के पक्ष में चले गए, तो समीकरण बदल सकता है, इसका एक असर पड़ सकता है। रमता से, चूंकि वो खुद बिलोंग करती है जमशेदपुर से, एक छोटा सा रिमार्क्स लेंगे और फिर मुझे दीजिएगा रमिता के साथ यहाँ से इजाज़त। सर एक्चुअली हमारा, जैसे मैं जमशेदपुर से हूँ, तो वहाँ पे जहाँ चंपई सोरेन का जो इलाका है वहाँ पे उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट किया है, एजुकेशनल को लेके भी काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, प्लस उनके वहाँ पे हॉस्पिटल की फैसिलिटी बहुत कम थी, बहुत दूर लोगों को जाना पड़ता था अस्पताल फैसिलिटी को लेके, बट अब वो वहाँ पे भी है, सरायकेला में भी वो मौजूद है और अच्छे स्तर पे है, अच्छी अस्पतालें हैं, चाहे वो आप मेडिकल इस हार्ट की बात कर लें या फिर ब्रेन सर्जरी कुछ भी हो सकता है, वो सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है, उसके लिए आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है, चाहे राज्य नहीं बदल सकते आप या कुछ भी, आप वहाँ पे करवा सकते हो। प्लस उन वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत हुई है, रोड बहुत, स्थिति बहुत ख़राब थी, सबसे ज़्यादा स्थिति वहाँ की सड़क की थी ख़राब, जो कि उन्होंने ठीक करवाई है और बहुत जल्दी उस पर काम करवाया गया है, और अब वहाँ पे एक्सीडेंट्स बहुत कम होते हैं, पहले एक्सीडेंट की संख्या बहुत बढ़ गई थी वहाँ पे, अब वो दुर्घटना भी बहुत कम हो गई है। तो अब युवाओं को लेकर अगर बात करें तो वहाँ पे कॉलेजेस भी बहुत सारे खोल दिए गए हैं, काफ़ी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, फार्मास्यूटिकल कॉलेजेस हैं, और मास कम्युनिकेशन की स्पेशली बहुत अच्छी कॉलेज है। तो गंगेश, ये रोमिता से समझिए, ये जो तमाम काम हुए हैं, क्रेडिट सरकार को जाएगा या चंपई को जाएगा, जनता किसे क्रेडिट देगी? सरायकेला में काफ़ी डेवलपमेंट किया और काफ़ी अच्छे अच्छे डेवलपमेंट किया है। रोमिता, ये जो जितने डेवलपमेंट हुए हैं इसका क्रेडिट चंपई सोरेन को लोग देते हैं या जो प्रदेश की सरकार है उसको देते हैं? चंपई सोरेन को भी देते हैं और प्रदेश की सरकार को भी देते हैं, क्योंकि आधा उनका भी काम है और आधा उनका भी काम है। अगर हेमंत सरकार जब से आई है सत्ता में तब से बहुत काम हुआ है, काफ़ी काम किया है उन्होंने लड़कियों की सुरक्षा के लिए, वहाँ पे लड़कियों की सुरक्षा को लेके काफ़ी अच्छा पुख्ता इंतज़ाम है, पुलिस की निगरानी 24 घंटे रहती है, लड़कियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है, तो एक ये फैक्टर है। चलिए, बहुत साफ है, लेकिन होता क्या है कि चेहरे बदलने से लोगों का लोगों के अंदर एक भ्रम की स्थिति बनती है, सरकार काम करती है चेहरे सामने होते हैं उसके, तो सामने में चंपई सोरेन थे या वहाँ के लोकल प्रतिनिधि थे, तो अगर चंपई सोरेन के रहते हुए वो सारी चीज़ें हुई हैं तो सारा क्रेडिट उनके खाते में जाएगा और उनकी बातों का ज़्यादा असर पड़ेगा। चेहरों से बहुत फर्क पड़ता है, चेहरे कौन से हैं, क्या हैं,
इससे बहुत फर्क पड़ेगा। शुक्रिया गंगेश जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए कोल्हान के नतीजे आने वाले सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और शायद इस वजह से जो बात गंगेश जी कर रहे थे रंजन जी की घबराहट दिखी, तो घबराहट क्यों ना हो, क्योंकि उनके खाते में ही तमाम सीटें थी, उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन दूसरे खेमे में एनडीएफ के पास खोने के लिए कुछ नहीं था क्योंकि उसके पास सीटें नहीं थी। अब इस बार जो होगा वो प्लस होगा, पाने के लिए होगा, तो इंडी फोल्डर में घबराहट होगी। कितनी सीटें बचा सकती हैं इस पर लगातार हम चर्चा करते रहे हैं। फिलहाल पश्चिमी की बात हो गई, पूर्वी की बात कर लेते हैं। जमशेदपुर पूर्वी का जो मुकाबला रहा है, अब एक नया चेहरा सामने आया है, वहां की जनता रघुवर दास से अनजान नहीं है, मुख्यमंत्री यहां के बने, अब राज्यपाल उड़ीसा के हैं, उनकी बहू चुनावी मैदान में है, यंग है, बोलती हैं, पत्रकार रही हैं, तो एक फायदा उनको मिलता हुआ दिख रहा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस से अजय कुमार हैं, डॉक्टर अजय कुमार भी काफी पुराने अब नेता बन चुके हैं, एक तेज तरार आईपीएस की उनकी छवि भी रही है। जेएलकेएम के तरुण कुमार डे भी चुनावी मैदान में है, जेएलकेएम का कितना प्रभाव इस इलाके में होगा, क्या अब चुनाव के बाद क्या समीकरण जिस पर हम चर्चा करते रहे रंजन जी कुछ अलग पड़ते हुए दिखे। देखिए अगर जमशेदपुर पूर्वी की आप बात कीजिए तो यहाँ बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि जो शिवशंकर सिंह हैं और राजकुमार सिंह हैं ये कितने वोट लेकर आते हैं, क्योंकि ये जो भी वोट लेकर आएंगे वो पूर्णिमा दास साहू के खाते से ही कटने वाले हैं, तो इस पर एक नज़र होगी। हालांकि जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि जमशेदपुर पूर्वी जो है ट्रेडिशनली बीजेपी की सीट रही है, और इतना ही नहीं इसे अगर आप ट्रेडिशनली रघुवर दास की भी सीट कह लें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर पिछली बार को आप छोड़ दें तो रघुवर दास 1995 से लगातार जीत रहे हैं, और उससे पहले भी जाइए तो वहाँ दीनानाथ पांडे जीतते थे। तो यहाँ पर जो है वो बीजेपी का जो समीकरण है वो थोड़ा स्ट्रांग बैठता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ये भी देखें कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो कम है संख्या में, 6.3% के आसपास हैं, और यही वजह है कि यहाँ पर बीजेपी को आमतौर पर आसानी होती है। लेकिन पिछली बार सरयू राय चूंकि मैदान में उतरे थे, वो भी बीजेपी के पुराने सदस्य रहे हैं, तो एक जो बीजेपी के जो वर्कर्स थे और वोटर्स थे उनके बीच एक कंफ्यूजन था, जो रघुवर दास से नाराज थे, जो एंटी इनकम्बेंसी थी, तो वो सारी चीजें जो है वो सरयू राय के तरफ जाती चली गई, और ऐसी परिस्थिति में जो भाजपा विरोधी वोट होते हैं वो भी कांग्रेस को ना जाकर सरयू राय को गई। क्योंकि अगर आप देखिए तो यहां पर गौरव वल्लभ पिछली बार चुनाव लड़ रहे थे, सिर्फ 18,976 वोट ही लेकर आ पाए थे कांग्रेस के टिकट पर, क्योंकि अगर इससे इस यही कांग्रेस का बेस है तब फिर अजय कुमार के लिए तो लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि जो एंटी बीजेपी वोट था वो भी सरयू राय के पाले में ही गया था, और यही वजह है कि सरयू राय जो है लगभग 42.5% वोट लाने में कामयाब हुए थे, तब भी जब रघुवर दास ने बेहतर नहीं किया तब भी उनके पास 33% वोट थे, तो इसका मतलब यह हुआ कि लगभग 9% का फर्क था। अब चूंकि सरयू राय जो है इस चुनाव में नहीं है, और अब सरयू राय बीजेपी का समर्थन भी कर रहे हैं, खुद जेडीयू के टिकट पर पश्चिम से चुनाव लड़ रहे हैं, और पूर्णिमा दास साहू ने जो है मंच पर जाकर पैर भी छुआ, तो ये एक जो आप कहते हैं कि बड़े ही रणनीतिक तौर पर सारी चीजें की गई, ये पैर छूने वाला जो भी जो बात है, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब सरयू राय जदयू में आगे सोची समझी अपनी रणनीति के तहत, जदयू का गठबंधन है, शायद यही सोच के वो आ गए, आपस में बातचीत हो गई, तो निश्चित तौर पर उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि जो सीट वो छोड़ कर आए हैं वहाँ पे वो भी भाजपा यानी कि जो रघुवर दास की जो बहू है उनको वो भी साथ दे, उनको देना ही पड़ेगा, गठबंधन धर्म को निभाना पड़ेगा। ये तस्वीर देख कर थोड़ी यूपी की भी याद आ जाती है, जब डिम्पल यादव ने मायावती के पैर छुए थे, और जब दोनों लोग साथ में आए थे चुनाव साथ में लड़ रहे थे तो मायावती के पैर उन्होंने छुए थे, और ये काफी वायरल भी हुआ था, और लोग काफी 2019 का लोकसभा चुनाव था वो, तो उस तरह की तस्वीर सामने आ जाती है इसको देखकर, तो गठबंधन धर्म निभाएंगे, उन्हें निभाना पड़ेगा निश्चित तौर पे, तो जीत वहां भी कोई बहुत मतलब एज दिखता है पूर्णिमा दास साहू को। हालांकि अजय कुमार भी बहुत दमखम लगाकर चुनाव लड़ रहे हैं, और जो कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोटर्स हैं वो उनको वोट करेंगे, और कुछ जो उनकी छवि रही है सुपर कॉप वाली उसका एडवांटेज भी उनको मिल सकता है, क्योंकि
के लोगों के अंदर जो उनकी एक छवि बनी हुई है वो अच्छी है और इसका फायदा उन्हें 2011 के बाई इलेक्शन में मिला भी था। लेकिन 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 रंजन जी एक और बात है कि अधिकारी जब अधिकारी के रूप में रहते हैं, जब वो अधिकारी रहते हैं आईपीएस एसपी हो या डीएम हो, तो वो छवि अलग होती है। आप देख लीजिए अपने ही भाजपा पार्टी में देखें, कई लोगों को मौका दिया गया लेकिन वो जीत नहीं पाते। अब बहुत दूर मत जाइए, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को इस रूप में ला दिया वो खुद चुनाव, वो खुद नहीं चुना पाते, ये बड़ी विडंबना है। तो मुझे लगता है चूंकि मिनी मुंबई मुंबई के नाम से जाना जाता है जनसुरपुर, काफी एडवांस लोग पढ़े लिखे वहां पे हैं और पढ़े लिखे लोग हमेशा से भाजपा वोटर इंटेलिजेंसिया माना ही जाता रहा पार्टी ने, तो निश्चित तौर पे हवा। लेकिन साक्षरता में केरल सबसे आगे है। आगे राजनीति की यही विडंबना है। चलिए अब अगली सीट हॉट सीट सरायकेला की सीट जिस पर लगातार चर्चा होती रहती है। चंपई सोरेन अपनी सीट के साथ कोल्हान की कई सीटों को प्रभावित कर सकते हैं और ये बीजेपी के फेवर में जा सकता है। इस बार चंपई सोरेन के सामने गणेश महली को मौका दिया है जेएमएम ने, किस तरह की फाइट दिखी रंजन जी, वोटिंग परसेंटेज क्या इशारा कर रहे हैं? देखिए अगर हम सरायकेला की बात करें तो यहाँ पर चंपाई सोरेन है, उनके सामने गणेश महली हैं, लेकिन यहाँ पर हमें जेएलके प्रत्याशी प्रेम मार्डी को भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने भी एक प्रभाव चुनाव में छोड़ा है। अब वो वोटों में कितना तब्दील हुआ है ये तो जब ईवीएम खुलेगा तब पता चलेगा, लेकिन उन्होंने अपनी एक यहाँ पर जो है वो चीज़ दिखाई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो सरायकेला का चुनाव है वहाँ पर अगर हम वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो देखिए आप इस बार जो है पिछली बार 68.18% वोट थे, इस बार कितने हैं वो मुझे देखना पड़ेगा कि वो बढ़ा है या उतना ही रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ के चुनाव की बात करें तो आप ये देखिएगा कि चंपाई सोरेन को करना क्या है, जो उनके अपने वोट हैं उनको इंटैक्ट करना है, क्योंकि बीजेपी का बेस यहाँ पर आप मानकर चलिए 40-42% के आसपास बिना चंपाई सोरेन के भी 41.76 था पिछली बार था, तो वो 40-42 आप उससे पहले चले जाइएगा 2014 में तो वो लगभग 45% था। देखिए सरायकेला में वोटिंग बहुत अच्छी हुई है 71.54%, यानी अगर ये बढ़ता है तो 72-73 चला जाएगा। तो अगर 71.54% है सरायकेला में तो आप मानकर चलिए कि ये दोनों ही फैक्टर हो सकता है। इस लिहाज से ये दोनों फैक्टर हो सकता है कि एक तो चंपाई सोरेन का इफेक्ट है क्योंकि उनकी वजह से और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो घरों से निकलकर बाहर आए और उन्होंने वोट किया। हम यहाँ एक बात कहेंगे, हम लोग एक तरीका कहेंगे, देखिए चंपाई सोरेन ने जैसे ही खेमा बदला और भाजपा में आ गए छटपटाहट जेएमएम में दिख रही थी। आप देखिए लगातार अभी जब मैनिफेस्टो जब जारी किया भारतीय जनता पार्टी ने तो उनकी तस्वीर को इस टाइम साइड में लेकर चले गए, उस पर भी रिएक्शन आया जेएमएम की तरफ से। अभी दो दिन पहले की बात है कि जब वहाँ चुनावी सभा हो रहा था तो उसमें शायद पीएम मोदी ने या फिर किसी और नेता मैं भूल रहा हूँ लेकिन किसी ने उनको वायरल हुआ था कि चंपाई अमित शाह जी ने जिस तरीके से, हालांकि वो दुलार में प्यार में बुलाए होंगे चंपाई को, या चंपाई आओ या जाओ या जो भी हो शब्द, तो इसे भी वायरल किया। यानी जब जब चंपाई सोरेन के साथ और कुछ लगता है, ये नजरिया है जेएमएम का, वो उसे हाईलाइट करते हैं। इसका मतलब है कि ये दिखाना चाहते हैं कि वोटर आप देखिए आपके जो चंपाई है उनको कितना वहां पर परेशानी हो रही है। लेकिन इसका अर्थ ये भी हो गया कि आप कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। चंपाई सोरेन के पूरे इतिहास को आप देखिएगा तो चंपाई सोरेन जितना डिपेंडेंट जेएमएम पे थे, जेएमएम उनसे कहीं ज्यादा डिपेंडेंट चंपाई सोरेन पे था। सभी जगह उनके लोग हैं, मजदूर नेता भी रहे हैं, फैक्ट्री में भी उनकी पकड़ रही है, मजदूरों के पकड़ रही है, तो सभी जगह पूरे इलाके में उनकी अपनी पकड़ है, उनकी एक छवि है। पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि अपनी छवि, व्यक्तिगत छवि बहुत मैटर करता है विधानसभा चुनाव में, जिनका फायदा होगा। दूसरी बात कि आजसू भी इस बार साथ है, जेबीएम भी साथ है, तो अलग अलग जब देखेंगे तो उस इलाके में देखा गया है कि जो गैप था हार जीत का वो दोनों बढ़ गए, तो इस बार सब तो एक साथ है, निश्चित तौर पर उनको फायदा। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं बाकी सीटों की तरफ और उसमें सरायकेला जमशेदपुर पूर्वी पश्चिमी पर हमने बात कर ली है। ईचागढ़ की सीट है, जगन्नाथपुर की सीट है, चाईबासा की सीट है, इसके अलावा पोटका है और
और सीट है तो इन मनोहरपुर ये सारी सीटें हैं, तो इन सीटों पर भी चंपई सोरेन का क्या असर दिख रहा है, इन सीटों पर कैसा मुकाबला दिख रहा है, अब परसेंटेज के बाद क्या लगता है, जनता बदलाव चाहती है या पुराने पर भरोसा है? देखिए अगर आप सिंहभूम के जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं अगर आप वहां चले जाएं, चाहे आप एक तो सरायकेला उनकी अपनी ही सीट हो जाती है, इसके अलावा चाईबासा है, मझगांव है, जगन्नाथपुर है, मनोहरपुर है, खरसावा तो खैर खूंटी में आ जाता है, तो अगर आप इन सीटों पर देखें तो उनका प्रभाव दिखता है और उनका प्रभाव खरसावा सीट पर भी दिखता है। जमशेदपुर में भी अगर आप ईस्ट और वेस्ट को छोड़ दें तो बाकी जो 4 विधानसभा क्षेत्र है वहां पर उनका प्रभाव अच्छा खासा है, चाहे आप बहरागोड़ा की बात कर लें, जुगसलाई की बात कर लें, घाटशिला से तो खुद उनके बेटे ही लड़ रहे हैं और पोटका में भी उनका एक इम्पैक्ट जो है वो दिखता है। तो आप ये मानकर चलिए कि चंपई सोरेन का प्रभाव तो पड़ा है, अब वो कितने प्रतिशत वोट अपने साथ लेकर आ रहे हैं इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। एक सीट जिसकी मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूंगा वो चाईबासा की भी एक सीट है। चाईबासा की सीट पर भी एक दिलचस्प मुकाबला आपको दिखेगा, वहां पर दीपक बिरुआ चुनाव लड़ रहे हैं और सामने बीजेपी ने एक नया प्रत्याशी उतारा है गीता बालमुचू को, पिछले बार जेबी तुबीद वहां से लड़े थे, जी हाँ, तो वो वहां से लड़े थे। अब देखिए यहाँ पर भी मत प्रतिशत में फर्क दिख रहा है, पिछली बार 66.69 था, अभी 68.61% आ रहा है, तो मतलब ऑलमोस्ट ये 70 के आसपास जाएगा, तो 3% बढ़ रहा है, तो अब ये बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि दीपक बिरुआ फिर भी सुखद स्थिति में, ऐसा मुझे लगता है, हालांकि ये गीता बालमुचू के लिए पहला चुनाव है, उन्होंने बड़ा जमकर चुनाव लड़ा है, अच्छा चुनाव लड़ा है, तो हालांकि कई बार चुनाव में उलटफेर होते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि दीपक बिरुआ को ज्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए, वो लगातार यहाँ से जीत भी रहे हैं। एक फैक्टर पूरे चुनाव में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव, महिलाओं की सुविधा पे वो ज्यादा जोर देते हैं, महिलाओं की बात वो ज्यादा करते हैं राष्ट्रपति चुनाव से लेकर के विधानसभा कहीं पर। तो इस बार भी चुनाव में उन्होंने प्रत्याशी भी अच्छे खासे संख्या में उन्होंने उतारा है और ये दिखाने की कोशिश की है कि हम महिलाओं के साथ हैं, महिलाओं की बेहतरी के साथ हैं। तो निश्चित तौर पर विमेन कार्ड भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से, आप देखेंगे कि लोकसभा में भी सत्र में भी जो भी नेत्री रही हैं शुरू से, सुषमा स्वराज भी उनको मौका दिया जाता था बोलने के लिए, स्मृति ईरानी उनको मौका दिया जाता था बोलने के लिए, तो महिलाओं को ये आगे करते हैं और मुझे लगता है कि ये कार्ड भी वहाँ पे होता है। कि दीपक बिरुआ मतलब 3 बार लगातार जीत चुके हैं, चौका लगाना चाहते हैं, जीत का जी हाँ, तो 51% के लगभग वहां पर इनके वोट परसेंटेज है जेएमएम के, वहां पर 26,159 वोट से जीते भी थे, मार्जिन भी बड़ी थी और जेबी तबीद 31.41 मतलब लगभग 19% के आसपास का फर्क आ जाता है, उस गैप को पाटना आसान नहीं होता क्योंकि कम से कम आपको 10-11% वोट उधर से निकालने होंगे, पिछले 32% वोट थे बीजेपी के वहां पर, तो अब एक बड़ा गैप तो है ही। तो आगे बढ़े और छोटनागपुर की सीटों की तरफ आते हैं, दक्षिणी होती छोटनागपुर और जगन्नाथपुर सीट को नहीं भूल सकते। चलिए वैसे तो पोटका भी बहुत महत्वपूर्ण सीट है, घाटशिला पोटका, अभी संथाल की बहुत सारी सीटें जो है वो बची हुई है, मनोहरपुर की सीट इम्पोर्टेंट है, जोबा मांझी जो है वो सांसद बन गई है, बेटे जगत मांझी लड़ रहे हैं, वो सीट इम्पोर्टेंट है और जगन्नाथपुर सीट का तो खास महत्व है, खास महत्व इसलिए है कि गीता कोड़ा चुनाव लड़ रही हैं और कोड़ा दंपत्ति के लिए यहाँ का रिजल्ट बहुत मायने रखता है, उनके राजनीतिक भविष्य के लिए भी, तो ये इस लिहाज से ये सीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि यहाँ का परिणाम क्या आता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको सोनाराम सिंकू जो कि कभी करीबी हुआ करते थे मधु कोड़ा के, काफी जो है वो करीबी थे और पिछली बार जब 2019 में ये जीते थे तो उन्हें टिकट जो है मधुकोड़ा की सिफारिश पर ही शायद मिला था, हालांकि उन्होंने अब कह दिया है कि भाई राजनीति में मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, तो ये बातें उन्होंने कह दी हैं। और कई बार ये भी सवाल आ रहे थे कि शायद सोनाराम सिंकू को टिकट ना मिले, लेकिन सोनाराम सिंकू को अंततः टिकट मिला, कल्पना सोरेन उनके लिए सभा करने भी गई थी उस समय, तो सोनाराम सिंकू को टिकट मिला है और गीता कोड़ा से उनका मुकाबला
मामला हो रहा है और यहाँ का रिजल्ट बहुत कुछ तय करेगा, क्योंकि खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने की ये लड़ाई है गीता कोड़ा के लिए। ये लड़ाई सोनाराम सिंकू से कम है, अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने की ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या कुछ निकल कर आता है ये देखना होगा। हालांकि एक यहाँ पर प्रत्याशी है मंगल सिंह भुबोंगा, ये जेएमएम से टिकट चाहते थे, झारखंड आंदोलनकारी हैं, और मैं जब इन्हें देख रहा था तो ये 1995 से हर चुनाव लड़ रहे हैं, अलग अलग पार्टी से, हर पार्टी से लगभग ये चुनाव लड़ चुके हैं, जेएमएम से, आजसू से, जेबीएमपी से, ये लगातार चुनाव यहाँ लड़ रहे थे, और इस बार भी वो जेएमएम से चाहते थे कि उन्हें मिल जाए। यहाँ पर जेएलकेएम के भी प्रत्याशी हैं लक्ष्मी नारायण लागूरी, उनके प्रदर्शन पर भी बहुत लोगों की नजर तो है। क्या इन सब के बीच में जो बागी हैं, नाराज हैं, वो खेल बिगाड़ सकते हैं? या बागी तो किसी का भी खेल बिगाड़ सकते हैं अगर जनता उन्हें गंभीरता से लेती है और अगर उनको वोट करती है, तब तो निश्चित तौर पर नुकसान होगा। लेकिन इस तरह के जो जो सीटें हैं जो ट्राइबल बेस्ड हैं, वहाँ पर जो अनुसूचित जनजाति की आबादी होती है वो ज़्यादा होती है। जगन्नाथपुर में भी लगभग 63% आदिवासी वोटर्स हैं और मुस्लिम भी 7% हैं। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ डिपेंड करता है कि ये जो 63% आदिवासी आबादी है उसका बंटवारा किस तरह से होता है, क्योंकि ये भी तय है कि ये एक ही तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि सारे तो आपको ट्राइबल कैंडिडेट ही होते हैं, तो उसमें वो बंटवारा तो होता है अकॉर्डिंगली। अब ये डिपेंड करता है कि कौन बड़ा चंक निकाल कर ले आता है। अब जैसे मान लीजिए कि इसमें से कांग्रेस को जो ट्राइबल वोट में मिलेगा उसमें मुस्लिम वोटर्स एड ऑन हो जाएंगे, और जो गीता कोड़ा निकाल कर आएंगे उसमें गो महतो प्रधान ये सारे वोट जो है वो ऐड ऑन होते हैं, तो बाकी ऐड ऑन होते हैं। मुख्य चीज जो है यहाँ वो 63.51% वोट ही है। मनोहरपुर की बात कर लें, हाँ चलिए मनोहरपुर की। मनोहरपुर जगत मान जी और दिनेश चंद्र बोयपाई आजसू के प्रत्याशी हैं, और मनोहरपुर में अगर आप देखिए तो पिछली बार जोबा मांझी का दबदबा होगा, तो क्या लगता है कि जेएमएम कैंडिडेट के लिए आसानी होगी? देखिए जोबा मांझी के बेटे हैं जगत मांझी, और जोबा मांझी बिल्कुल सरल सादगी वाले जीवन जीते हैं, देखिए सांसद भी वो बन गई, लेकिन बावजूद इसके उनकी कनेक्टिविटी लोगों से हमेशा बेहतर रही है, जो वो लोगों से बातचीत करती हैं और जिस तरह का उनका व्यवहार होता है, तो इस वजह से बहुत मायने रखता है, बहुत उनकी लोकप्रियता रही। हालांकि यहां पर भी अगर आप देखिएगा तो कई बार चीजें लगती हैं कि क्लोज हो रही हैं, लेकिन जब से वो जेएमएम में आई हैं तो स्थिति उनकी थोड़ी स्ट्रांग हुई है, 40% से ज्यादा वोट ही वो यहाँ पर लाती रही है। यहाँ पर गुरुचरण नायक जो कि बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ते थे, वो शुरू में थोड़े नाराज हुए थे लेकिन फिर उनको मना लिया गया है, और काफी काम किया जी हाँ। और यहाँ पर आजसू से टिकट नहीं मिलने पर ना दिलबर खारखा है, वो जेएलकेएम के टिकट पर लड़ रहे हैं, अब वो कितना डैमेज करते हैं ये देखने वाली बात होगी। किसे डैमेज करते हैं ये भी अगर ये डैमेज करेंगे तो आजसू प्रत्याशी को ही करेंगे, और ये भी चूंकि पहले आजसू में ही थे तो ये डैमेज करेंगे, तो दिनेश चंद्र बोयपाई को ही मैच करेंगे। और हालांकि दिनेश चंद्र बोयपाई भी पूरे दिल से ये चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार भी चुनाव लड़े थे लेकिन उस समय पार्टी अलग थी, एसयूसी आईसीसी वो थी, और तब वो 1% वोट भी नहीं लेकर आ पाए थे, लेकिन चूंकि जब पार्टी है अब आजसू है साथ में बीजेपी है तो एक कोल्हान की हर सीट इस तरह महत्वपूर्ण दिख रही है। घाटशिला के बारे में बात कर लेते हैं, घाटशिला में अब बाबूलाल सोरेन है चंपई सोरेन के बेटे, और प्रभाव से चंपई सोरेन के प्रभाव से सीट में इनकार नहीं किया जा सकता है, तो मुकाबला यहाँ पर क्या दिख रहा है और वोटिंग परसेंटेज क्या लग रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा है तो बाबूलाल सोरेन को मौका देगी यहाँ की जनता? देखिए घाटशिला में अगर आप पिछली बार भी देखिएगा तो मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं थी, पिछली बार भी 6724 वोट से ही रामदास सोरेन जीते थे,
और लखन चंद्र मार्डी दूसरी पोजीशन पर थे और उनको 33.41% वोट आया था और आजसू को 18.77% वोट आया था। अगर इन दोनों को जोड़ दीजिए तब तो बहुत आसान दिखता है, लेकिन ये याद रखना होगा कि तब आजसू से प्रदीप बालमुचू लड़े थे, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और यहाँ से कई चुनाव जीत चुके हैं प्रदीप बालमुचू, और घाटशिला एक्चुअली उन्हीं की सीट थी और उन्हीं से ये निकलकर जो है अब जेएमएम के पास ये सीट चली गई है। और इस बार बड़ी चर्चा थी कि वो शायद तोरपा से टिकट चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अब अगर देखिए, अगर सिंपल बीजेपी और आजसू का वोट जुड़ जाए तब तो काम जो है बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा पूरा होगा नहीं ये भी मानकर चलिए, क्योंकि वो जो 32,000 वोट प्रदीप बालमुचू ने लाए थे उसमें बहुत सारा वोट जो है उनका अपना होगा, इसमें आप ये मानकर चलिए, लेकिन फिर भी फाइट यहाँ पर क्लोज दिखेगी, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और हालांकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहाँ से लीड मिली है, लेकिन वो लीड भी बहुत छोटी है, 795 वोटों की, तो इसका मतलब है कि यहाँ बहुत नेक टू नेक फाइट है। अब इस नेक टू नेक फाइट में चंपाई सोरेन का जो इम्पैक्ट है, इफेक्ट है, वो कितना असर डालता है उस पे घाटशिला की सीट का परिणाम निर्भर करेगा। यही है कि इसी शर्त पे वो भाजपा में शामिल भी हुए थे कि उनके बेटे के लिए भी एक सीट रखा जाए। कोर्ट का भी हॉट सीट है, मनीष जी पूछ रहे हैं। हॉट सीट है, यहाँ पर बात की जाए रंजन जी, उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए पोटका सीट की अब बात कीजिए तो पिछली बार 69.2% वोट था और इस बार जो हम लोगों तक अब तक सूचना पहुंची है वो 72.29 है, मतलब 3% का जंप तो अभी ही है, 2% और बढ़ा तो ये 5% के आसपास चला जाएगा। तो अब ये जो बढ़त है वो किस वजह से है, क्या मीरा मुंडा के आने की वजह से? देखिए अर्जुन मुंडा ने लगातार कैंप किया और कहीं और नजर नहीं आके पोटका पे ही पूरा फोकस रहा है। मनीष जी क्या कहेंगे यहाँ पर इस सीट पर, उनकी मेहनत रंग लाएगी? देखिए निश्चित तौर पे अर्जुन मुंडा चूंकि लोकसभा सीट अपने हार चुके थे तो उसके बाद अब उनकी अपनी जमीन बचाने के लिए ये बहुत करो मरो वाली जो कह सकते हैं ये चीज था। क्योंकि देखिएगा जब प्रचार में दूसरे राज्यों के सीएम को जब भाजपा ने उतारा यहाँ पे, या फिर पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरह से आउटसोर्स कर दिया यहाँ के चुनाव को दूसरे राज्य के सीएम को लेकर के, तब ये बातें विपक्ष ने उठाई कि भाई यहाँ पे भाजपा के पास आदिवासी चेहरा नहीं है, नेता नहीं है, तो ऐसे में अब मीरा मुंडा को आगे ला करके और ये चुनाव जीतना इनके लिए अर्जुन मुंडा के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। और चूंकि वो माने जाते हैं नेता भी रहे हैं, जमशेदपुर से उनका रहा है, पहले से वो सीएम भी रहे हैं, तो एक बड़ा चेहरा, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको जगह भी दी कैबिनेट में बड़ी सी तरह, तो निश्चित तौर पर अब हमें कह सकते हैं कि एड़ी चोटी सब लोग लगाए होंगे ताकि ये उनकी जीत हो। अब देखना होगा चंपाई सोरेन कोल्हान पर, तो नजरें सबकी टिकी हुई है, चंपाई सोरेन की प्रतीक्षा भी साख पर लगी हुई, कोल्हान में कितनी सीटें वो बीजेपी खाते में डाल सकते हैं। अब आगे बढ़े रंजन जी, मनोहरपुर हो गया, मझगांव को क्यों छोड़े, मझगांव भी देखिए जेएमएम की बड़ी ट्रेडिशनल सीट है, नीरल पूर्ति यहाँ पिछले 2 बार से जीत रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस सीट पर पिछले 5 चुनाव की अगर आप बात करें तो नीरल पूर्ति और बड़कुवर गगरई के बीच बहुत क्लोज फाइट देखने को मिलती है, 3 बार नीरल पूर्ति जीते हैं तो 2 बार बड़कुवर गगरई भी जीते हैं, लेकिन वो 2009 और 2000 में जीते थे। तो अब देखना है कि नीरल पूर्ति जो है फिर से एक जीत अर्जित यहाँ पर करते हैं या नहीं, क्योंकि पिछली बार उनका जो मत प्रतिशत था वो 50% से ज़्यादा था, लगभग 51.5% के आसपास जो है उनका मत प्रतिशत था, और पिछली बार जो भूपेंद्र पिंगुआ हैं वो बीजेपी से लड़े थे और बड़कुवर गगरई जो हैं भारत आज़ाद सेना पार्टी से एक लड़ गए थे तो वो भी वोट ले आए थे, ये भी तो पूरी तरह से वोटों का बंटवारा हो गया था, बिल्कुल एक तरफा जीत थी वहाँ पर निरल पूर्ति की, 47,000 से ज़्यादा वोटों से वो जीते थे। फिर भी अभी भी ये सीट जो है जेएमएम के आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा एज देता हुआ दिखता है, और एक सीट आपको बच जाती है वो खरसावा की सीट है, और वो सीट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो सीट को मैं इम्पॉर्टेंट इसलिए मानता हूँ क्योंकि वहाँ दशरथ गगरई के खिलाफ
सोनाराम बेदरा जो है वो चुनावी मैदान में है, और सोनाराम बेदरा जो है वो चंपाई सोरेन के बहुत करीबी हैं, और कहा जा रहा है कि सोनाराम बेदरा को चंपाई सोरेन के कहने पर ही ये टिकट जो है मिला है। वो जेप अध्यक्ष भी रहे हैं सोनाराम बेदरा, और अगर गणेश महली आज चंपाई सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं तो वो सोनाराम बेदरा की वजह से ही लड़ रहे हैं, ये भी आप कह सकते हैं। इसलिए मैं सीट की चर्चा करना चाहता था, क्योंकि जो गणेश महली है वो जब सरायकेला में हो गया कि चंपाई सोरेन लड़ेंगे तो उन्होंने जो है खरसावां की सीट मांग ली थी कि आप खरसावां के लिए अप्लाई किया था कि मुझे वहां से टिकट दे दीजिए, लेकिन वहां पर सोनाराम बेदरा को टिकट मिला और जो है फिर गणेश महली जेएमएम में शामिल हुए और चंपाई सोरेन के खिलाफ आज चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर आप ये देखिए तो इसलिए इस लिहाज से ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है। दो बार से दशरथ गगराई जो हैं यहाँ पर विधायक हैं, तो अब इस दो बार का कितना एंटी इनकम्बेंसी उनके पास है ये देखना होगा। और सोनाराम बेंद्रा चूंकि जीप अध्यक्ष रहे हैं तो एक उनकी भी जो है लोगों पर पकड़ होगी, ये स्वाभाविक है, प्लस चंपाई सोरेन का इफेक्ट होगा। और यहाँ पर जेएलकेएम के प्रत्याशी पांडुराम हिब्रू भी अच्छा कर रहे हैं, अब वो कितना इस चुनाव को दिलचस्प बनाते हैं उस पर बहुत कुछ जो है वो निर्भर करने वाला है। और जब दशरथ कगरे की बात की है तो चक्रधरपुर की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि चक्रधरपुर में जो है दशरथ गगरई के भाई जो हैं वो जेएमएम के बागी बन गए हैं, और वो जेएमएम के बागी बनकर चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर आप उनको देखें तो वो वहाँ पर विजय सिंह गगराई वो दशरथ गगराई के भाई हैं, वो यहाँ पर त्रिकोण बना रहे हैं और सुखराम उराव के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। अगर विजय सिंह गगराई ने अच्छे वोट ले आए और चूंकि उनको वहाँ पर काफ़ी सपोर्ट है, तो अगर वो सपोर्ट उनके वोटों में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर सुखराम उराव के लिए जो है परेशानी बढ़ने वाली है, और वहाँ पर फिर जो है शशिभूषण समद के लिए काम आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले रांची की सीट पर बात, महुआ वाजी यहाँ पर कड़ी टक्कर 6 बार के विधायक को देती हुई नजर आ रही है सीपी सिंह को, और जो वोटिंग परसेंटेज हालांकि बहुत नहीं रहा, रांची में सबसे कम परसेंटेज रहा है शहरी क्षेत्रों के परसेंटेज को अगर देखें तो ये जो कम परसेंटेज है ये क्या इशारा कर रहा है? महुआ मांझी ने काफ़ी मेहनत की है, राज्यसभा सांसद रहते हुए भी हर गली मोहल्लों में उनके काम दिखते हैं, तो और सीपी सिंह भी लगातार विधायक रहे हैं, किसी की भी मुसीबत पर सीपी सिंह हमेशा हाजिर रहे हैं, तो दोनों के अलग अलग अपने काम हैं, तो कैसा मुकाबला अब दिख रहा है यहाँ पर? दोनों के अलग अलग काम हैं, दोनों के अलग अलग वोट भी हैं, ये क्लियर कट डिफरेंस जो है वो आज दिखा भी है, वो दिखता भी है। और देखिए यहाँ पर 51.50% जो है वोट इस बार जो अंतिम सूचना हम लोगों तक पहुंची है वो यही है, लेकिन पिछली बार इससे भी कम था, 49.1%, तो उस लिहाज से तो सुधार दिखता है। अब अगर 1-2% और बढ़ गया तो ये 53% के पास चला जाएगा, तो लगभग ये 4% का इजाफा हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें अभी इंतजार करना होगा कि क्या कुछ होता है। तो यहाँ पर स्थिति ये है, बहुत टाइट फाइट है सीपी सिंह और महुआ मांझी के बीच में। एंटी इनकम्बेंसी दिखेगी यहाँ पर? देखिए अगर एंटी इनकम्बेंसी दिखनी होती तो अभी 1996 से जीतते चले आ रहे हैं सीपी सिंह, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो सीधे यहाँ पर रणनीति समीकरण ही काम करते हैं, सीधे समीकरण, कैंडिडेट नहीं समीकरण काम कर रहे, मतलब यहाँ पर सीधा है कि ये बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, तो यहाँ पर इसलिए जो है वो किसी को भी आप दे दें तो वहाँ पर 1990 में गुलशन लाल आजमानी रांची से जीते थे, और उसके बाद आप देख लीजिए 2019 तक सिर्फ यहाँ से बीजेपी ही जीतती रही, तो इसलिए ये ट्रेडिशनली पूरी तरह से बीजेपी के वर्चस्व वाली सीट रही है। अब यहाँ पर चूंकि महुआ मांझी के लिए भी ये तीसरा चुनाव है और उनके सामने भी बड़ा चैलेंज है, खुद को साबित करना है, चूंकि दो चुनाव वो हार चुकी हैं 2019 में भी 2014 में भी, तो अब जब ये तीसरा मौका उनको मिला है तो उनको भी अपने आप को साबित करना है, और यही वजह है कि महुआ मांझी ने भी चुनाव में पूरी तरह से अपने आप को झोंक दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने उनके लिए सभा की, कल्पना सोरेन उनके साथ कई मौकों पर नजर आई, चूंकि ये रांची की सीट
थे, तो इसका फायदा उनको मिल सकता है और उन्होंने जो है अपनी पूरी कोशिश की है और आज भी जो है वो चीज़ आपको दिखती है। और महुआ मांझी के साथ एक प्लस पॉइंट है कि इंटेलेक्चुअल रही हैं, तो उस वर्ग का भी वोट जो है वो उनको मिल जाता है और इस चीज़ का फायदा जो है उनको मिलता है, उसके वोट भी कुछ उनकी तरफ जाते हैं, तो इसी वजह से वो पिछली बार इतना टफ मुकाबला दे पाई थी। यहाँ मुद्दे क्या पुल पुलिया भी होंगे, ब्रिज भी होगा निजात, यहाँ जो जाम की स्थिति होती है, और जो मुझे याद है कि चंपई सोन गए थे कि भाई अब जल्दी से इस पुल का हम लोग इनॉग्रेशन कर दे चुनाव से पहले, हालांकि उनको ये मौका नहीं मिल पाया, हेमंत सोरेन के हाथ ही ये लगा और यही वजह है कि जल्दबाजी में भी किए, लेकिन लोगों को यहाँ जो नगरीय जीवन है, चूंकि ये नगर है, ये कैपिटल सिटी है, तो क्या उनको भी इसका फायदा, लोग ये समझ रहे हैं इस बात को कि हाँ अब यहाँ की जो स्थिति नगरीय जीवन थोड़ा सा सुधार हो रहा है, ये भी इसका फायदा कहीं मिलेगा? देखिए रांची में मैंने अक्सर देखा है कि लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा हावी रहते हैं और यहाँ पर राज्य के मुद्दों की बात होगी। यहाँ पर अगर आप इसमें देखिए जो सड़कें हैं और बाकी चीजों पर चर्चा कम रहती है, क्योंकि वहां पर कई समस्याएं दिखती हैं, लेकिन वो चीजें जो है मुझे नहीं लगता कि इतना प्ले में आता है रांची में। पिछली बार अगर आप देखिए तब जब सीपी सिंह सिर्फ 5,904 वोटों से जीते थे तब भी उनका मत प्रतिशत लगभग 47% के आसपास था। आप समझिए अगर वो 3% इसमें इजाफा कर लें तो फिर वो अजय स्थिति में पहुंच सकते हैं। लेकिन अब एक जैसा मनीष जी ने कहा एंटी इनकम्बेंसी वाली बात, और एक ही समय, और सीपी सिंह ने एक चीज और किया कि एक तरह से इसे अपना आखिरी चुनाव घोषित कर दिया और वो कहते हुए दिखे, जी हाँ, और ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है क्योंकि वो कहते रहे कि भाई सिक्सर लगा दिया है, अब ये सातवीं बार है, मुझे नॉट आउट ही विदा करो, तो नॉट आउट विदा होना चाहते हैं। तो अब ये देखना है कि वोटर्स किस तरफ जाते हैं, क्योंकि महुआ मांझी को भी वोट यहाँ पर बहुत पड़े हैं और मैंने कई बूथों पर देखा कि वोट दोनों तरफ जा रहे हैं, जो लोगों से चर्चा कर कर एक अनुमान लगता है, चूंकि हम देखते तो है नहीं लेकिन जो बातचीत होती है उससे जो एक अनुमान लगता है, तो लग रहा था कि दोनों तरफ वोट जा रहे हैं, तो एक क्लोज फाइट यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स भी 24.2% हैं, तो महुआ मांझी 25% से अपनी गिनती शुरू करेंगी और साथ में यहाँ पर 13.73% आदिवासी आबादी है, तो ये ऑलमोस्ट 37% हो जाता है। अगर जेएमएम के कैंडिडेट के नाम पर एसटी वोटर्स उनकी तरफ जाते हैं तो उनकी स्थिति भी कमजोर कहीं से नहीं दिखती। एक बराबरी का अच्छा मुकाबला दिया था, बराबरी का मुकाबला दिखता। अगली सीट है अब इधर तमाड़, तोरपा, सिमडेगा, सिसई, गुबला, ये सब जो सीटें हैं रंजन जी, यहाँ पर कैसा मुकाबला दिख रहा है? पिछली बार कितनी सीटें थी दोनों फोल्डर में से किसके पास और इस बार क्या बनता हुआ दिख रहा है? देखिए अगर आप उस तरफ जाएं तो देखिए अगर आप खूंटी की बात करें तो वो भी ट्रेडिशनली बीजेपी की सीट रही है, नीलकंठ सिंह मुंडा जो हैं वहां से लगातार जीत रहे हैं, अब उनके सामने इस बार जो है राम सूर्या जो हैं वो खड़े हैं, अब वो किस तरह का प्रदर्शन कर पाते हैं, क्या जो उनका तिलिस्म है उसे तोड़ पाते हैं, ये एक चीज जो है वो आपको महत्वपूर्ण होगा। और इसके अलावा जब आप यहाँ पर आते हैं कि अगर लोहरदगा तमाड़ की बात कर लें, तमाड़ में भी देखिए इस बार 67.12% वोट पड़ा है, पिछली बार 68.57% था, लेकिन देखिए यहाँ राजा पीटर जो है वो चुनाव में उतरे हैं और सामने विकास मुंडा हैं, दो बार से जीत रहे हैं, तो एक थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी उनकी तरफ दिखती है। पिछली बार चूंकि यहाँ बीजेपी आजसू अलग होकर लड़ा था तो इसका भी फायदा विकास मुंडा को हुआ था, अब इस बार चूंकि राजा पीटर जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं जो दूसरी सीट है जेडीयू की, तो अगर जेडीयू 100% रिजल्ट लेकर निकल जाए तो बहुत चौंकने की बात नहीं होगी। और यहाँ पर राजा पीटर की एक अपनी छवि रही है, जब वो निर्दलीय भी लड़ते हैं तो उनके वोट जो हैं वो 20,000 के आसपास जो है वो श्योर रहते हैं, तो अब जब उसमें बीजेपी आजसू का साथ मिला है तो एक वो बात हो जाती है। तोरपा की सीट मुझे लगता है कि कोचे मुंडा के खिलाफ थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, सुदीप बुड़िया को पिछली बार उन्होंने
हराया था। इस बार भी सुदीप गुड़िया ही कैंडिडेट हैं, लेकिन अब कई बार आप देखती है कि चुनाव के पहले जो है वो थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी दिखती है, और जो वो मैं नहीं कहता हूँ कि चुनाव के पहले वाली रात जो कयामत वाली होती है उसमें कई बार चीजें बदल जाती हैं। तो कोचे मुंडा उसी उम्मीद में है कि शायद कयामत वाली रात में कुछ उनके पक्ष में हो गया हो, और अगर नहीं हुआ होगा तो फिर उनके लिए मुश्किलें हो सकती हैं। लोहरदगा की सीट एक इम्पॉर्टेंट सीट है, क्योंकि यहाँ मंत्री रामेश्वर उरांव जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, और सामने नीरू शांति भगत है। सिंपैथी वोट भी नीरू शांति भगत के पास इस बार होगा। नहीं, और एक दिलचस्प बात ये है कि ये चुनाव जब शुरू हुआ था तो बिल्कुल एक तरफा दिख रहा था, लग रहा था कि रामेश्वर उरांव बिल्कुल आराम से जीत जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव ने अपनी गति पकड़ी, प्रचार में लोगों ने जोर लगाया, जो सुदेश महतो की पत्नी है वो खुद वहां पर मोर्चा संभालने पहुंच गई, सुदेश महतो की सभा हुई, तो इन सब का एक असर तो दिखा है। और पिछली बार भी जब आप बीजेपी आजसू के वोट लोहरदगा में जोड़ दें तो वैसी परिस्थिति में आपको ये दिखेगा कि उनके वोट ज्यादा हो गए कांग्रेस से, लेकिन पिछली बार जो है बीजेपी से सुखदेव भगत तो वो चुनाव लड़ रहे थे, तो इस वजह से जो है कुछ उनके भी अपने वोट रहे होंगे। हालांकि इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें यहाँ से सुखदेव भगत ने अच्छी लीड हासिल की है, तो देखिए यहाँ पर भी मुस्लिम वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है, वो एक तरफ जो है वो रामेश्वर उरांव के पक्ष में जाता भी है, और उसके बाद से उनकी गिनती शुरू होती है। नीरू शांति भगत ने भी बहुत जोर लगाया है, कई मुद्दों को उठाया है, तो आप जो एक तरफा जीत दिख रही थी वो एक तरफा अब नहीं दिख रही है, और वो एक मुकाबला अब दिखने लगा है, और इस मुकाबले का परिणाम क्या होगा ये 23 नवंबर को पता चलेगा। इसके अलावा अगर खूंटी सीट पर बात हमने कर ली, विशनपुर सीट पर हमने शुरू में ही बात कर ली थी, गुमला की सीट है, भूषण तुर्की और सुदर्शन भगत जो पूर्व सांसद हैं बीजेपी के, उनको उतारा गया है यहाँ पर, और यहाँ पर भी अगर आप देखिए तो पिछली बार से वोट प्रतिशत बढ़े हैं। ये बड़ा मुश्किल है कि वोट प्रतिशत बढ़ किसके लिए रहे ये जानना, क्योंकि आमतौर पर जब वोट प्रतिशत बढ़ता है तो उसको बदलाव के लिए बढ़ता है, लेकिन ये भी बात होता है कि कई बार चुनाव इतना नजदीकी हो जाता है कि जो पक्ष सत्ता में होता है उनके वोटर्स जो उन्हें चाहते हैं कि ये बना रहे वो भी निकल कर आ जाते हैं, तो ये भी चीज देखने को मिलती है। लेकिन गुमला में भी मुकाबला जो है आपको करीबी दिखेगा, और सिमडेगा और कोलेबिरा ये दो सीट बहुत महत्वपूर्ण है। सिमडेगा में पिछली बार जो श्रद्धानंद बेसरा है बीजेपी के वो सिर्फ 285 वोट से हारे थे, तो एक क्लोज फाइट पहले से थी। अब इस बार जो है आयरिन एक्का जो एनोस एक्का की बेटी हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, आप तो वहाँ गए थे, तो वहाँ पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला बना है, बताएं। निश्चित तौर पर, क्योंकि एनोस एक्का की बेटी हैं, पढ़ी लिखी हैं, यूके से वो पढ़ करके भी आई हैं, काफ़ी तेज दरार, उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी दिनों से चल रही हूँ, दौड़ रही हूँ, काम कर रही हूँ, उन्हें विश्वास है कि वो और उनके भाई भी, ये दोनों लोग कोलेबिरा से हैं। लेकिन कोलेबिरा का जो समीकरण है मनीषी, भले ही कैंडिडेट बहुत अच्छी हो, पढ़े लिखी हो, लेकिन क्रिश्चियन और मुस्लिम वोटर्स के साथ वहाँ आदिवासी वोटर्स भी इंडी फोल्डर के खाते में जाते हैं, तो फिर बहुत स्कोप नहीं बचता। क्या आयरिन एक्का उन समीकरण को तोड़ पाई, अपने फेवर में कर पाई? देखिए, जो एनोस एक्का सदान में भी, सदान मतलब कि नॉन ट्राइबल्स वोट में भी उनकी पकड़ है, और सबके साथ उनका उठना बैठना है, उनके एक्सेस सबके साथ है, लोगों की पहुंच भी उनके पास है। इनके अलावा जो दोनों बाकी प्रत्याशी दोनों विधानसभा में हैं उनका सिर्फ और सिर्फ चर्च के आसपास ही राजनीति, उनकी गतिविधि घूमती है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और एक चीज और है कि यहाँ एनोस एक्का का कोलेबिरा में खास करके आप प्रभाव देखिए, वो तीन बार यहाँ से जीते हैं, जीते भी, तो उस वक्त भी कैंडिडेट जो है कांग्रेस जेएमएम के हुआ करते थे, तो उनकी एक पकड़ थी और पकड़ है अभी भी, वो जीत हासिल हो या नहीं हो, लेकिन वो नहीं जीते हैं तो निश्चित तौर पर सुदर्शन सिमडेगा के लिए कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होगा। अब ये देखना है कि यहाँ पर विक्सल जो कोलेबिरा में है तो इनके लिए क्या होगा, लेकिन सिमडेगा में थोड़ी सी थी, जो हम गए थे उस दिन जेएमएम के प्रोग्राम सीएम का प्रोग्राम था, लेकिन बहुत भीड़ नहीं था, अगली कतार में जो बैठे हुए थे सिर्फ जेएमएम के लोग थे। जैसे ही सीएम, मैं बताना चाहूंगा, जैसे ही मुख्यमंत्री ने मंच से उतरे, वैसे ही सामने जो लोग बैठे हुए थे वो सब वहां से उठ के जाना शुरू कर दिए। उसके बाद कुछ बच्चे बचे थे, स्कूली कुछ बच्चे थे, यानी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो उल्लास, वो जो भीड़ होती है वो वहां सिमडेगा कोलेबिरा दोनों जगह नहीं दिखा। तो चलिए, दोनों जगह में ही
ट्रायंगुलर फाइट में बहुत मुश्किल होता है कुछ प्रेडिक्ट करना, क्योंकि किस तरफ कितना वोट शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एनओसेक का सिर्फ कांग्रेस के वोट काटेंगे, अगर सदन वोटर्स में जाएंगे तो वहां बीजेपी का भी नुकसान होगा, बीजेपी के लिए नुकसान। चलिए अब ये इन सीटों पर चर्चा हमने कर ली, मांडर की सीट बच गई है रंजन जी, मांडर की सीट पर जहां बंधु तिर्की का ही बोलबाला रहता है, शिल्पी नेहा तिर्की ने वहां से चुनाव जीता है, फिर चुनावी मैदान में है और बंधु तिर्की चाहे किसी भी पार्टी में रहे हो, ये खासियत है कि वही जीतते हैं, वो किसी भी सिंबल पर रहे चुनाव उन्होंने ही जीता। अब जब वो डिस्क्वालीफाई है चुनाव के लिए, वो चुनाव नहीं लड़ सकते, तो उनकी बेटी चुनावी मैदान में है, तो इस बार क्या वहां का मिजाज बनता हुआ दिख रहा है? देखिए वहां पर देखिए अगर वहां पर भी आप लड़ाई की बात करें तो वो बहुत सीधा सीधा जो है आपको शिल्पी नेहा तिर्की और बीजेपी के सनी टोपो के बीच में आपको दिखता है। लेकिन एक दिलचस्प बात ये है कि वोट परसेंट मैं देख रहा हूं कि पिछली बार 68.02 था, इस बार 72.13% है। तो अब आप मुझे ये देखना होगा कि ये दो बाई इलेक्शन में कितना था, वो अभी मैंने लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 2019 से आप लेकर आए तो ये लगभग 4% का इजाफा अभी ही दिख रहा है, और जो 1-2% और भी जो है इसमें जुड़ेगा ऐसी उम्मीद है। तो ये इस तरह से यहाँ पर एक फाइट आपको दिखती है, लेकिन यहाँ पर शिल्पी नेहा तिर्की, चूंकि आप बंधु तिर्की का जैसा आपने बताया कि यहाँ पर एक दबदबा रहा है और वो लगातार यहाँ से जो है चुनाव जीतते रहे हैं, तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि एक मुकाबला तो होगा, लेकिन बढ़त आपको शिल्पी नेहा तिर्की को मुझे लगता है कि दिखती है, और वो इसकी वजह भी है। अगर आप देखिए तो यहाँ मुस्लिम 20% हैं और जो ट्राइबल्स हैं वो 60% के आसपास हैं, तो 80% तो यहीं पर हो जाता है। अब इसमें जो ट्राइबल वोटर्स हैं उसमें क्रिश्चियंस की संख्या बहुत ज्यादा है, तो वो जो है उनके पाले में जाता है, और ऐसा नहीं है जो नॉन क्रिश्चियन आदिवासी भी हैं वो भी जो है वो सरना भी उनको वोट करते रहे, कांग्रेस को करते रहे। तो यहाँ पर जो है उस तरह की स्थिति है। अब सनी टोपो की हम बात करें तो वो आदिवासी वोटों में कितना हिस्सा निकाल पाए, युवा नेता हैं तो वो कितना कुछ कर पाए हैं। हाँ, लेकिन ये बात है कि सनी टोपो ने भी चुनाव बहुत अच्छा लड़ा है और एक भविष्य के लिए संभावनाएं दिखाई है, युवा है, ऊर्जावान है, और जो बोलते हैं तो जो आजकल का एक मॉडर्न डे स्टाइल है कि जो नेता होता है वो थोड़ा एग्रेसिव बोलता है, तो वो एग्रेसिवनेस उनके अंदर अपनी जमीन तैयार की और कड़ा मुकाबला वो दे। रंजन जी सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, तो कोडरमा की पहले बात कर लेते हैं, वहां पर कितना दिलचस्प मुकाबला। देखिए अगर हम कोडरमा की बात करें तो फिर ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आ जाएगा, तो अगर हम उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल से अगर शुरू करें तो जो कोडरमा की सीट है यहाँ पर जो मुख्य मुकाबला है नीरा यादव बीजेपी से हैं, और सामने जो हैं सुभाष यादव हैं जिनके लिए प्रचार करने के लिए लालू प्रसाद यादव खुद आए हुए थे, और यहाँ पर शालिनी गुप्ता निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, पिछली बार आजसू प्रत्याशी थी, इस बार वो त्रिकोण बना रही हैं यहाँ पर, मतलब कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, और यहाँ जो मुकाबला है इसमें बहुत कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा कि शालिनी गुप्ता किस तरह का प्रदर्शन करती हैं। अगर वो वैश्य वोटरों में सेंधमारी कर देती हैं तो नीरा यादव के लिए मुश्किलें पड़ सकती हैं। तो अब देखना ये दिलचस्प है कि इसमें जो है किस तरह से वोटों का बंटवारा हुआ है। मनीष वहां पर थे, इन्होंने सारी चीजें देखी हैं, क्या कुछ लगता है मनीष? देखिए अगर हम कोडरमा विधानसभा की बात करें तो वहाँ पे सबसे पहले तो वहाँ यादव बहुल वह क्षेत्र है, वहाँ वैश्य भी हैं और वहाँ मुस्लिम वोटर भी डिसाइसिव माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कई सालों से हम कह सकते हैं कि यूँ हम कहेंगे कि यादव जो प्रतिनिधि रहे वो अन्नपूर्णा देवी राजद से थी तब भी थी, उनके पति भी रमेश प्रसाद यादव भी थे, वो भी वहाँ से प्रतिनिधित्व रहे हैं, मंत्री में भी रहे हैं, लेकिन जब भाजपा में आ गए अन्नपूर्णा देवी तो उसके बाद से कुछ सिनेरियो वहाँ का चेंज हो गया, लेकिन प्रतिनिधि जातीय समीकरण की हम बात करें तो निश्चित तौर पर वो जिस समाज से आती तो वही रहा। अब चूंकि तीसरी बार भाजपा ने
हैं डॉक्टर नीना यादव पर भरोसा जताकर उन्होंने टिकट दिया है, तो भाजपा के चूँकि वहाँ एंटी इनकम्बेंसी बातें होती हैं, चूँकि होता यही है कि जब लगातार कुछ विधायक रह जाते हैं तो एक सब स्वतः वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी भी बातें उठने लगती हैं और लोग नाराज होते हैं। लेकिन चूँकि सुभाष यादव को मौका वहाँ मिला है, आरजेडी ने दिया है भरोसा जताया है, चूँकि सुभाष यादव आने वाले समय में झारखंड में राजद का एक बड़ा चेहरा होकर उभरेंगे, इसी यही वजह है, और वो माने जाते हैं लालू प्रसाद यादव के दत्तक पुत्र के रूप में, और शायद यही वजह था कि बीमार हालत होने पर भी, अस्वस्थ होने के बावजूद भी लालू प्रसाद यादव सड़क मार्ग से पहुंचे हैं वहां पर, उन्होंने वहां कैंप किया है। अब कैंप करने के पीछे कारण ये था कि चूंकि मुस्लिम वोट वहां पर है तो वो पोलराइज करे, और MY समीकरण अगर उनके पक्ष में आता तो निश्चित तौर पर भाजपा के लिए कठिन ये हो जाता। अब चूंकि शालिनी गुप्ता जिस वर्ग से आती हैं, व्यवसाय वर्ग है, तो उनका जो वोट है, लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है, हम लोग काफ़ी जगह बातचीत वहाँ हमारी हुई है, तो वो कह रहे हैं कि शालिनी गुप्ता जो वोटें मिले अलग अलग बूथे पे भी मिला है, लेकिन जो यादव वोट है, जो भाजपा का वोट है, वो अपना एक मुश्त कोई सतगांव में, कहीं मरकच्चो में, कहीं यहाँ पे, तो निश्चित तौर पर शालिनी गुप्ता एक डिसाइसिव हो जाएंगी निश्चित तौर पर। तो अभी फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि टक्कर बहुत कांटे का है, और जब रिजल्ट आएगा तो वो अप्रत्याशित भी रिजल्ट हो सकता है। कोडरमा में एक चीज़ और भी देखने को मिली जब लालू प्रसाद यादव आए वहाँ पे मनीष, तो एक चीज़ ये भी देखा गया कि थोड़ा चेंज हुआ जिस तरह से चीज़ें चल रही थी वहाँ पर कोडरमा के अंदर, और बात की जाए सुभाष यादव मैदान में है, शालिनी गुप्ता और नीरा यादव, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ था कि भाई सबको लग रहा था कि कहीं जो टक्कर है वो इस बार जो है शालिनी गुप्ता थोड़ा बैक, लेकिन सुभाष यादव थोड़ा बैक होंगे, लेकिन जिस तरह से लालू प्रसाद यादव आए उनके कैंपेनिंग करने के लिए और वहाँ पर उन्होंने जिस तरह से स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार किया, चीज़ें थोड़ी बदली और वहाँ पर जो है थोड़ी चीज़ें मतलब ऊपर नीचे, अब यहाँ पर जो है त्रिकोणी जो है देखने को मिल रहा है कि तीनों लोग इस समय वहाँ पर टक्कर में है, खासकर शालिनी गुप्ता की बात की जाए मनीष, आपने भी देखा किस तरह से शालिनी गुप्ता ने जो है बढ़ा, कहते ना बढ़त हासिल की है, वो भी एक चौंकाने वाली बात है वहाँ पे। पिछली बार जो यहाँ वोटिंग हुई है असेंबली इलेक्शन में वो 59.77% जो है वोटिंग हुई थी, और इस बार वो बढ़ा है 62% हुआ है। अब ये जो बढ़ा है, अब ये क्यों बढ़ा है, ये एक दिलचस्प बात है। अब क्या लालू प्रसाद यादव ने जो वहां सभा की उसने लोगों को मोटिवेट किया कि अब वो निकल कर आए, अगर वो निकल कर आए तो सुभाष यादव को फायदा होगा, और अगर आपको मान लीजिए कि दूसरे पॉकेट से निकल कर आ रहे हैं तो फिर उस अनुसार जो है नीरा यादव को भी ये फायदा पहुंचा सकता है। उस वक्त जब हम लोग कोडरमा पे बातचीत कर रहे थे आसिया जी, तो जो मेरा एक सवाल था कि चूंकि कोडरमा से जो JLKM के प्रत्याशी थे मनोज यादव, उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया था, तो देखिए मनोज यादव जब चुनाव लड़ रहे थे तो ये माना जा रहा था कि चूंकि JLKM का जो कोर वोट है वो महतो मेहता चौधरी वोटर्स जो हैं वो हैं, और जब पिछली बार शालिनी गुप्ता लड़ रही थी तो वो 22.16% वोट लाने में कामयाब हुई थी, लेकिन तब वो आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी, तो मुझे लगता है कि ये जो महतो मेहता चौधरी वोट की बात हम कर रहे हैं वो उस वक्त जे आजसू के पास ही हुआ करता था, तो उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो शालिनी गुप्ता को गया था। इस बार शालिनी गुप्ता निर्दलीय हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ये जो महतो मेहता चौधरी का जो वोट है लगभग आप मानकर चलिए 10% के आसपास, ये किसके पाले में गया होगा? ट्रेडिशनली ये लोग बीजेपी आजसू गठबंधन को वोट करते रहे थे, अब अगर इसमें जो है जयराम की वजह से जो सेंधमारी हुई है उसमें, तो उस ताप से आप कह लीजिए कि कोडरमा में जो है वो बची रही है। अब अगर ये वोट जो है नीरा यादव की तरफ गया होगा तब फिर मानकर चलिए कि उनकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। हालांकि यहां पर कामेश्वर महतो भी एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति में ये वोट अगर नीरा यादव को गया होगा तो उनकी स्थिति मजबूत मुझे लगता है कि हो सकती है। हालांकि यादव वोटर्स लालू यादव आने के बाद किस तरह से पोल में बटे हैं ये देखना एक दिलचस्प बात होगी मनीष। चलिए हजारीबाग लोकसभा की बहुत सारी सीटें हैं, यहाँ पर किस तरह का मुकाबला दिख रहा है? बड़का गांव है, बरकट्ठा है, हजारीबाग खुद है, बरही है, तो ये सब सीटें क्या लग रही है? यहाँ का जो मिजाज हमने लगातार आकलन किया है, जो समीकरण पर हम बात करते रहे हैं, क्या परसेंटेज वैसे ही कुछ इशारा कर रहे हैं? देखिए अगर कोडरमा की बात हमने नॉर्थ छोटा नागपुर में कर ली है, हाँ। अब हम बरकट्टा की बात कर लेते हैं, तो
बरकट्टा में भी अगर आप देखिए तो वहाँ एक मुकाबला जो है वो दिखता है। अमित यादव वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और जानकी यादव जो हैं वो जेएमएम से इस बार वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और कुमकुम देवी जो है बागी बनकर चुनाव लड़ रही हैं। बटेश्वर महतो भी हैं। हाँ, बटेश्वर महतो हैं, उन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। जी हाँ, बटेश्वर महतो जो हैं वो एक तगड़े कैंडिडेट हैं। और मुझे लगता है कि जब हम बरकट्टा की बात करें तो ये भी बताएं कि बटेश्वर महतो जो वोट लाएंगे, चूंकि अगर आप यहाँ महतो मेहता वोटर्स को देख लें तो ये ऑलमोस्ट 18-20% के आसपास हो जाते हैं। और यही वजह है कि जब पिछली बार भी वो लड़ रहे थे तो 16% वोट था उनके पास, 33,526 वोट। और अमित यादव जब पिछली बार लड़ रहे थे तो उनको 72,572 वोट मिला था और जानकी यादव तब बीजेपी से थे तो उनको 47,000 वोट मिला था और लोकसभा में बीजेपी यहाँ 96,876 वोटों से लीड करने में सफल रही थी। इस बार चूंकि हम जानकी यादव चले गए हैं जेएमएम में और उनको टिकट निर्दलीय थे ये अमित, भाजपा ज्वाइन कर ले पहले ही चुनाव की सुखबुखी से पहले इन्होंने ज्वाइन कर लिया, अमित शाह का प्रोग्राम भी हुआ है। लेकिन जो जानकारी वहाँ से मिल रही है वो ये है कि मुस्लिम वोट जिधर चला गया, अल्पसंख्यक वोट इधर गया तो ध्रुवीकरण होता है फिर भाजपा वोट का। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाजपा अमित के जीत भी बात हो रही है, भाजपा वहाँ से जीत भी सकता है, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि बटेश्वर महतो का जो वोट है वो अगर आगे कुछ बढ़ा है तो निश्चित तौर पर थोड़ी परेशानी भाजपा के लिए वहाँ हो सकती है। या लेकिन बटेश्वर महतो पिछली बार भी 16% वोट लाने में सफल रहे थे। जब देखिए फाइट ट्राइंगुलर हो जाती है तो बीजेपी को वहाँ थोड़ा एज मिल जाता है। और इसकी पिछली बार भी देखिए, अगर अमित कुमार यादव की बात कीजिए तो उनको 34.29% वोट ही मिले थे, कोई 40% प्लस में वो नहीं थे, लेकिन तब भी वो 24,812 वोटों से जीते थे। तो इसकी वजह यही थी कि बटेश्वर महतो ने, और पिछली बार AIMIM के भी कैंडिडेट यहाँ पर थे, वो 15.84% वोट लाने में सफल रहे थे। इस बार वो नहीं है तो मुझे लगता है कि जानकी प्रसाद यादव के लिए राहत की बात है, क्योंकि यहाँ पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 16.5% के आसपास हैं, 16.6% हैं। तो यहाँ पर भी एक फाइट आपको दिख रही है, बटेश्वर मेहता उसको ट्राइंगुलर बना सकते हैं, ट्राइंगुलर बना तो अमित यादव को फायदा थोड़ा होता हुआ मुझे दिख रहा है। चलिए अब हमारे पास वक्त भी कम है तो जल्दी जल्दी में निपटाते हैं तमाम सीटों को। बरही विधानसभा बहुत तो बरही मनीष जी बताएंगे। बरही में चूंकि उमाशंकर अकेला को कांग्रेस ने सीट नहीं दी आखिरी मौके पर, उनको जाना पड़ गया साइकिल की सवारी के लिए और जब वो आ गए तो उधर अरुण साहू जो हैं त्रिलेश्वर साहू के लड़के हैं, साहू वहाँ डिसाइसिव हैं, हालांकि चौपारण इलाका भी है तो सपा से पहले भी चुनाव ये उमाशंकर अकेला लड़ चुके हैं और उनको उम्मीद है। एक और बड़ा फैक्टर वहाँ पे कि उमाशंकर अकेला का जुड़ाव शुरू से यशवंत सिन्हा के साथ रहा है। अब यशवंत सिन्हा भले ही एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं हो लेकिन उनकी जो पकड़ है उस इलाके में काफ़ी है और मैं इस बात को जानता हूँ कि वो कहीं ना कहीं से वो सपोर्ट सपा को उनको मिलेगा, उमाशंकर अकेला को मिलेगा। जब हम लोग कवरेज करने के लिए गए थे तो मैंने उनसे पूछा भी था तो वो मुस्कुरा के जवाब दिए थे। एक वह अब साहू वोट है आपको त्रिलेश्वर साहू की कांग्रेस से हट करके, तो वहाँ भी मुकाबला जो होगा वो बड़ा दिलचस्प होगा। अपने सबके कैडर वोट है लेकिन अगर साहू वोट अरुण साहू की तरफ जा रहा है, उमाशंकर का अपना वोट उनके पास आ रहा है तो निश्चित रूप से थोड़ा आसान हो जाएगा फिर मनोज यादव के लिए, क्योंकि मनोज यादव उस इलाके के अच्छे खासे दबंग भी कहेंगे या नहीं लेकिन उनकी एक है, कहीं खड़े होते हैं तो कई लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं, तो ये मैंने उनको देखा है तो उनका भी चांसेस वहाँ पर बन रहा है। तो हर एक सीट पर हम जल्दी जल्दी चर्चा कर लेते हैं। बड़का गांव के बारे में तो मनीष ही बताएंगे ज्यादा अच्छा, क्योंकि मनीष गए थे वहां कवर करने के लिए। मनीष क्या देखा आपने? देखिए बड़का गांव की बात करें तो बड़का गांव में वहां पर हम बात कर ले कांग्रेस और बीजेपी की, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एनडीए अलायंस की बात करते हैं, वहां पर एनडीए और एनडीए अलायंस की बात करते हैं तो देखिए जो महिलाएं हैं और हम बात कर ले वहां पर तो महिला वोटर्स जो है ना महिलाओं को काफी देखती हैं, तो ऐसे में बात कीजिए अंबा प्रसाद से काफी जो महिलाएं हैं काफी प्रभावित हैं। एक तो महिला है, दूसरी चीज महिला मैं खुद महिला हूं, अगर महिला वोटर होती है तो मुझे लगता है उसे ही वोट दो। हां तो और एक चीज और भी अंबा प्रसाद के अंदर रहा है जो एक फैक्टर रहा है, उनके स्वभाव से इतर जाके जब भी मैंने बात की तो कई लोगों ने यह चीज कही है कि अंबा प्रसाद जो है वो कहते ना आम पब्लिक की तरह उन्होंने लोगों से मिलती हैं और एक आम वो नहीं लगता है कि वो विधायक हैं और लोगों के बीच में जाती है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है तो
बैठती हैं, लोग उनको घर से वास्तव में, लोग कहेंगे तो शायद लोग हंसे लेकिन वास्तव में लोग उनके घर पे पहुंच जाते हैं, उनको हाथ पकड़ के खींच ले जाते हैं। चलिए मनीष जी, रोशन लाल चौधरी के लिए देखिए योगी ने भी सभाएं की, लगातार सभाएं हुई हैं, बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक पहुंचे हैं रोशन लाल चौधरी के लिए, तो कड़ी टक्कर वहां दे रहे हैं। बिल्कुल, यही तो फैक्टर हो गया है। जब वहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे, उन्होंने जो जनसभा की वहां पर रोशन लाल चौधरी के लिए, वो वहां पर कहीं ना कहीं एक बदलाव की तरफ एक इशारा करने लगा है। क्योंकि रोशन लाल चौधरी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ, देखिए योगी आदित्यनाथ जो भी बोलते हैं उसका असर जरूर दिखता है उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर। वो कहीं भी बोले, या तो उसका निगेटिव आपको उसका असर दिखेगा या तो पॉजिटिव असर दिखेगा। आप देखिए हरियाणा विधानसभा चुनाव हुआ, जहां जहां योगी आदित्यनाथ ने जनसभा की वहां वहां बीजेपी वहां जीती है। ऐसे में कई जगह ऐसा होता है उसका जो फैक्टर नहीं दिख पाता है, तो योगी आदित्यनाथ जहां भी जाएंगे उसका या तो एक्स फैक्टर दिखेगा या तो पॉजिटिव दिखेगा या तो निगेटिव दिखेगा। और यहां पर देखिए बात की जाए, जहां अम्मा प्रसाद ये समझ रही थी कि नहीं हम जीत रहे हैं, वो आश्वस्त थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ की एक जनसभा ने तो थोड़े से पसीने छुड़ा दिए। चलिए हजारीबाग सीट पर बात करते हैं रंजन जी। हजारीबाग की सीट अब मनीष जायसवाल सांसद बने हैं उसके बाद खाली हुई है, नहीं तो लगातार वो बीजेपी का गढ़ रही है, बीजेपी की सीट रही है। अब मुकाबला यहाँ प्रदीप प्रसाद के आने के बाद, उधर मुन्ना सिंह है, हर्ष अजमेरा है, इन सब के आने के बाद मुकाबला कैसा दिख रहा है? देखिए चुनाव के पहले जब शुरू होती है चीजें तो लगता है कि कई कोण खोल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है वो रास्ता जो है वो संकरा होता चला जाता है और वो आम तौर पर दो पोल में बटता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो मुख्य मुकाबला होगा वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही होगा। बीजेपी से प्रदीप प्रसाद मैदान में है और मुन्ना सिंह कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। और देखिए अगर आप प्रदीप प्रसाद की भी बात कीजिए तो वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, निर्दलीय भी चुनाव लड़े थे 2014 में और तब उन्होंने 31% वोट लाए थे मनीष जायसवाल के खिलाफ। अभी उनके साथ मनीष जायसवाल का भी समर्थन है, बीजेपी का अपना एक स्ट्रांग होल्ड रहा है हजारीबाग में। हालांकि मुन्ना सिंह भी जो हैं बहुत दमदार कैंडिडेट हैं और लगभग 10-15 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं, कोविड के दौरान उन्होंने कई काम भी किए हैं और वो भी जेवीएम के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं 2019 में और तब उन्होंने 15% वोट लाए थे। तो दोनों का एक मास बेस तो है और दोनों लोगों से जुड़े रहे हैं क्योंकि दोनों सामाजिक कार्यों में गहरी अभिरुचि लेते हैं, तो इसलिए मुकाबला यहाँ का दिलचस्प है। लेकिन यहाँ पर देखिए मुस्लिम वोटर्स भी 25.2% हैं। अब उदय मेहता जेएलकेएम के हैं, क्या वो कोई असर डाल पाते हैं? अगर वो नहीं डालेंगे तो फिर महतो मेहता वोटर्स जो है फिर से बीजेपी की तरफ जाएगा। और अगर ऐसा होता है, चूंकि हजारीबाग एक ऐसी सीट है जहां पोलराइजेशन अक्सर देखने को मिलती है और अगर पोलराइजेशन होता है, चूंकि मुस्लिम वोटर्स 25.2% दिख रहे हैं, तो अगर पोलराइजेशन होता है तो फिर फायदा जो है बीजेपी को हो सकता है। एक और फैक्टर है, सौरभ नारायण सिंह पूरी तरह से राजनीति से अलविदा ले लिए हैं, तो उनके जाने के बाद ही वहाँ ये मौका सबको बाकी लोग को मिला। अब देखना है कि वो, हालांकि अब वो है नहीं, तो निश्चित तौर पर अब चूंकि बीजेपी इस बार चुनाव प्रचार में कहीं दिखे थे लेकिन वो अब नहीं, राजनीति में अब नजर नहीं आ रहे, खुद नहीं है। चलिए और कोई सीट बची है? चतरा की सीट बच गई। हाँ, चतरा की सीट, यहाँ पर मुकाबला इसलिए दिलचस्प है क्योंकि सत्यनारायण भोक्ता जो मंत्री हैं उनकी बहू इस बार चुनावी मैदान में हैं, क्योंकि अब जो जातिगत समीकरण बदले हैं या जाति की वजह से ये सीट सत्यनारायण भोक्ता के हाथ से निकल गई है, तो अब उनकी बहू को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा है। तो यहाँ का मुकाबला कितना दिलचस्प मिल रहा है, क्या सत्यनारायण भोक्ता की जो लिगेसी उससे आगे बढ़ा पाएंगे उनकी बहू या फिर यहाँ पर बीजेपी कैंडिडेट मारेगा? यहाँ भी जबरदस्त मुकाबला है, तेजस्वी यादव रश्मि प्रकाश के नॉमिनेशन में आए, यहाँ यादव बहुत अच्छे हैं क्योंकि यहाँ पर जो आरजेडी का एक माई इक्वेशन होता है ना उसको ये सपोर्ट करता है, 15.1% मुस्लिम और 15.8% यादव, तो ये लगभग 31% हो जाता है। लेकिन जो यादव वोट है उसमें डेंट लगाने के लिए जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव की कई सभाएं
यहाँ पर लगाई गई हैं। और यहाँ पर देखिए ट्रेडिशनली भी जो मुकाबला पिछले 20-25 सालों से है वो जनार्दन पासवान वर्सेस सत्यानंद भोक्ता ही होता था। इस बार भले सत्यानंद भोक्ता नहीं है लेकिन चूंकि उनकी बहू है तो मुकाबला एक तरह से उसी तरह का है। और यहाँ पर पूरी कोशिश है आरजेडी की इस सीट को रिटेन करे, चूंकि पिछली बार जो 81 विधानसभा में उसके पास एक सीट थी तो चतरा की सीट थी, तो इस सीट को बचाने के लिए उन्होंने पूरा दमखम लगाया है। लेकिन बीजेपी ने यह सीट LJPR को दे दी और ये एक मुझे लगता है कि हो सकता है मास्टर स्ट्रोक आप कह सकते हैं, स्मार्ट मूव कह सकते हैं कि उन्होंने उसे दे दी। अब देखिए चाहे आप आरजेडी की बात कर लीजिए LJPR की बात कर लीजिए, दोनों जो मुख्य रूप से मजबूत है वो बिहार में है, तो दोनों के नेता आमने सामने हुए, प्लस चतरा जो है वो बिहार से सटा हुआ है तो एक वहां का परिवेश भी यहाँ पर हावी होता है, तो उन चीजों को देखते हुए चतरा में जो है किया गया है। और यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प मुकाबला है और जनार्दन पासवान पिछली बार हारे थे तो लगभग 35% वोट उनके पास था और सत्यानंद भोक्ता 46.5% वोट लाने में कामयाब रहे थे, तो एक फासला 10-11% का दिखता है। लेकिन बावजूद इसके चूंकि यहाँ पर बहुत आप कह सकते हैं कि इंटेंस कैंपेनिंग जो है एक्सटेंसिव कैंपेनिंग जो है वो बीजेपी की तरफ से भी हुई है, चूंकि LJPR का अपना कोई संगठन तो यहाँ है नहीं तो बीजेपी ही एक तरह से चुनाव लड़ रही है, नाम LJPR का है। और चिराग पासवान यहाँ पर आते हैं, वो सभाएं भी करते हैं, बहुत करे हुए अनुमान माना जाता है। जी हाँ, तो अब ये सीट जो है उनके ऊपर है कि वो ये सीट लाते हैं नहीं। वैसे चिराग का रिकॉर्ड बिहार में तो लोकसभा चुनाव 100% मार दिया उन्होंने वहां पे, उनकी और अभी एक यूथ आइकन बने हुए हैं चिराग, उनको या तो उसका लाभ उठाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर होगी। और देखिए इसीलिए चिराग पासवान जो है वो बीजेपी के लिए कई सीटों पर कैंपेनिंग करने के लिए गए, जैसा मैंने आपको कहा वो भवनाथपुर में भी गए, वो हुसैनाबाद में भी गए, तो जहां भी जो अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या ज्यादा है वहां पर उनका इस्तेमाल किया गया। बीजेपी ने भी बहुत स्ट्रेटेजिकली अपने स्टार कैंपेनर्स को पोस्ट किया कि किसको कहां पर भेजना है। कमी हमें दिखा इंडिया उनके पास स्टार प्रचारक थोड़े कम दिखे क्योंकि सभी जगह से डिमांड कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की रही, तो इसी वजह से बहुत बिजी शेड्यूल में उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत लगाई है प्रचार में। नहीं अब देखिए कहने के लिए आप कहिए तो राहुल गांधी की सभा हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए, सुप्रिया चुनाव में अक्सर देखा जाता है बिहार का विधानसभा, बिहार अभी आपने लोकसभा चुनाव देखा था बिहार के अंदर जितने भी हुए ज्यादा उन्होंने अपनी कैंपेनिंग नहीं की क्योंकि वो वहाँ पर जो है जहाँ 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहाँ साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास, दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी IT और मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान, इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन।